हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कायदे कानून हैं कहानियों को लेकर, वो बॉक्स ऑफिस पे फिल्मों का जो हशर होता है उस पर आधारित है। जैसे आप पीरियड फिल्म नहीं बना सकते, ऐतिहासिक फिल्म आप नहीं बना सकते। सन 1893, चंपानेर। आप आपके हीरो की इमेज को चेंज नहीं कर सकते, उसकी हेयर स्टाइल बदल कर उसको धोती में आप नहीं डाल सकते। अरे का देखा थे, गेंद फेंकना। आपकी फिल्म में सिर्फ हिंदी ये भाषा होनी चाहिए, डायलेक्ट नहीं होनी चाहिए, जैसे अवधी है, भोजपुरी है। चूल्हे से रोटी निकालने के लिए चिमटे को अपना मुंह जलाही पड़ी। आपकी फिल्म खेलकूद के बारे में नहीं हो सकती। और खास करके क्रिकेट पे तो हो ही नहीं सकती। और हुआ ये कि मेरी स्क्रिप्ट जाने अनजाने में ये सब नियमों को तोड़ रही थी, क्योंकि जब मैं पहले प्रोड्यूसर्स के पास गया तो यही सब मुद्दे थे जिसके बेसिस पे उन्होंने इस स्क्रिप्ट को इनकार किया था। और मुझे तो वैसे लगता कि मैं ही एक हूँ जो जिसको यकीन है कि इन्हीं मुद्दों की वजह से फिल्म इंटरेस्टिंग बन सकती है। मैं हूँ सत्या, मैं वकालत करता था। कानून की किताबें, कोर्ट के चेहरी, दाव पिच, इन्हीं में डूबा रहता था। वकालत की वजह से मैंने जिंदगी करीब से देखी, मैंने जिंदगी के कड़वे पहलू भी देखे, टूटते विवाह, झगड़ते परिवार, हिंसा। मैं जमीन से जुड़ा रहा। फिर एक दिन मेरी दुनिया बदली। आमिर का फोन आया, उसने कहा वह फिल्म बना रहा है, उसे कुछ भरोसेमंद लोगों की जरूरत है, क्या मैं उसका साथ दूंगा? आमिर मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन फिल्मों से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। भला क्यों मैं फिल्मों के लिए काम करूं जबकि मैं अपनी वकालत से खुश हूं? इसे सनक कहे या पागलपन, कुछ कुछ प्रेम में डूबने जैसा। आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया। मैंने वकालत छोड़ दी और लगान की प्रोडक्शन टीम में शामिल हो गया। मैंने जो देखा और महसूस किया वही बताने जा रहा हूं, और इस सफर की शुरुआत होती है लेखक निर्देशक आशुतोष गुवारिकर के साथ। मेरी पहली फिल्म थी पहला नशा, जो एक मर्डर मिस्ट्री थी, और मेरी दूसरी थी बाजी, विच इज एन एक्शन थ्रिलर, उसमें भी आमिर था। दोनों फिल्में बनाते वक्त मैंने ऑडियंस को जो पहलू लगते हैं एक मनोरंजन फिल्म में देखने के, उन पहलुओं को मन में रखते हुए स्क्रिप्टें लिखी थी दोनों। तो मैं चाह रहा था कि दोनों फिल्में चले, लेकिन ऐसे हुआ नहीं, दोनों फिल्में फ्लॉप हुई, तो बहुत दुख हुआ। और एक तीसरी फिल्म बनाने का मेरा जो एक सपना था, ऑप्शन था, वो मेरे लिए दरवाजा बंद हो गया इन फिल्मों के बाद। और मुझे रियलाइज हुआ कि अब अगर मुझे वापस स्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं ऐसी कहानी लिखूंगा, एक ऐसी कहानी जो मुझे पहले, मेरा मनोरंजन पहले करे, और वो बनाने के बाद मैं उम्मीद रखूंगा कि ऑडियंस को भी वो कहानी पसंद आए। और कोई तरीका नहीं है ये करने का। सन 1893, चंपानेर, देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। तब मैंने सोचा कि क्यों ना क्रिकेट का इस्तेमाल करें एक जंग के लिए, जिसमें रक्तपात नहीं है, हिंसा नहीं है, जिसमें लाठी भाले की जगह गेंद बल्ले का इस्तेमाल हो रहा है, और जिसका कुरुक्षेत्र है एक क्रिकेट फील्ड। आशुतोष ने मुझे 3-4 मिनट में मुझे सुनाया कि भाई ये आइडिया है। मैंने आशुतोष से कहा ये बड़ा बकवास आइडिया है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे।
मैंने कहा कि यार ऐसे थोड़ी होता है, लगान माफ करने के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, हद होगी। आमिर ने मुझसे कहा कि मेरे भाई ये स्क्रिप्ट किसी और को जाके नरेट मत करना, किसी और प्रोड्यूसर को जाके मत बताना, ट्राई एंड मेक समथिंग सेफ, कुछ सिंपल अच्छा खासा जो नॉर्मल ट्रेंड में है उसी को बना। तो बड़ा उदास हुआ आशुतोष, और खैर उसने कुछ कहा नहीं, चला गया वो। तो आमिर की इस बात से मुझे पहले दुख तो हुआ, लेकिन मुझ में एक जिद भी पैदा हो गई, और मेरी जिद ये थी कि अब तो मुझे जाकर इसकी पूरी कहानी मुझे लिखनी ही पड़ेगी। सो आई डिसाइड टू जस्ट गो आउट एंड राइट द एंटायर डायलॉग वर्जन ऑफ द फिल्म। मैंने लगान की कहानी मेरे घर पे लिखी, घर पर इसलिए क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई जगह तो थी नहीं, और घर पर लिखने का मतलब ये भी था कि बहुत सारा वक्त मैं घर पर ही बिताने लगा। तो मेरी फैमिली को काफ़ी ताज्जुब होता था कि ये क्या करता रहता है घर पे, यू नो, खासकर मेरे बच्चे, बिकॉज वो कंपेयर करते थे उनके जो स्कूल में उनके फ्रेंड्स थे, उनके दोस्त थे, उनके साथ कंपेयर करते थे कि हमारे पिताजी सारा दिन घर पे ही होते हैं, ऑफिस तो जाते ही नहीं, मतलब दे हैड दिस काइंड ऑफ ऐसे ख्याल उनके थे। खैर अचानक वो एक दिन आया मेरे पास और मैंने कहा भाई इतने दिन से कहाँ थे तुम, कहा कि मैं एक कहानी पे काम कर रहा था। और आमिर ने शक की नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, क्या ये वही कहानी तो नहीं है जो क्रिकेट और अंग्रेज और उनका युद्ध? और मैंने कहा हाँ ये वही है। उसने कहा नहीं मुझे ये कहानी नहीं सुननी है। मैंने कहा लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे नहीं सुनना है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अपना वक्त इतना बर्बाद किया, 4-5 महीने बर्बाद किए हैं वो बकवास कहानी पे तुम काम कर रहे हो। तो मैंने जिद की कि आमिर सुन तो ले, तो भले ही ना बोल लेकिन एक बार सुन ले और फिर ना बोल। तो मैंने उसको बोला चलो सुनाओ, लेकिन सुनने से पहले मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि मैं मेरा जवाब ना है वो अभी से सुन लो तुम। सन 1893 चंपानेर, देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। कहानी सुनाई और मैं कहानी सुन के एकदम हक्का बक्का रह गया। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी मैं और खो रहा था कहानी में, कहीं पे मैं हंस रहा था, कहीं पे मैं रो रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं पता नहीं क्या, मैं कमाल की कोई चीज़ सुन रहा हूँ। कहानी ख़त्म हुई और मैं, मतलब मेरे आंखों में आंसू थे, और मैंने आशू का कहा यार कैसे तुमने ये कहानी लिखी मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग है जो हमारी इंडस्ट्री में फिल्में बनती हैं, जो हमारी ऑडियंस को फिल्में देखने की आदत है, ये बहुत अलग हटके कुछ फिल्म है। तो मुझे डर लग रहा है, मैंने साफ साफ आशुतोष को कहा कि मुझे डर लग रहा है ये मैं हाँ नहीं कह सकूँगा। आमिर की हिम्मत नहीं हुई, पर किसी और ने भी तो साहस नहीं दिखाया। आशुतोष बड़े बड़े निर्माताओं और स्टारों को स्क्रिप्ट सुनाता रहा, बहुत सारे लोगों ने स्क्रिप्ट की तारीफ की मगर कोई भी पैसे लगाने को तैयार नहीं हुआ। इस बीच आमिर लगातार लगान के बारे में सोचता रहा, लगान उसे अपनी तरफ खींचती रही। मतलब इस बीच में मैं ये सोच रहा था कि अगर ये फिल्म बनेगी तो कौन प्रोड्यूसर सही रहेगा इसके लिए, क्योंकि नज़र आ रहा है मुझे कि ये बहुत ही महंगी फिल्म होगी, बहुत ही मुश्किल फिल्म होगी बनाने के लिए। इस फिल्म को ज़रूरत थी ऐसे प्रोड्यूसर की जो जिसका पूरा भरोसा हो स्क्रिप्ट पे, आशुतोष पे, और वो फिल्म को क्रिएटिव टीम को पूरी तरह सपोर्ट करे। अगर ये फिल्म बननी है, अगर एज एन एक्टर मुझे इस फिल्म में काम करना है तो फिर इस फिल्म को एक तरीके से बनना चाहिए, और वो मैं एज ए प्रोड्यूसर शायद पूरी कर सकूंगा। तो मैंने कहा ठीक है मुझे अब एक दफा और पूरी स्क्रिप्ट सुनाओ, तीसरी दफा। सन 1893 चंपानेर, और इस दफा मैंने फैसला किया कि मैं अम्मी अब्बाजान को, रीना को और जम्मू जी को बुलाऊंगा, उनको भी कहानी सुनाऊंगा, स्क्रिप्ट सुनाऊंगा। हाँ राम सिंह सिखाया, ये कौन है? कहानी शुरू की, नरेशन चलता गया और मैं उनके चेहरे देख रहा था, और मैंने देखा कि जिस तरह मेरा रिएक्शन था उसी तरह उनका भी रिएक्शन है, वो भी एकदम इन्वॉल्व हो गए हैं कहानी में। कहानी ख़त्म हुई, अम्मी ने बोला, अब्बाजान ने बोला कि भाई बहुत अच्छी कहानी है और आमिर तुम्हें करना चाहिए ये फिल्म। तो मैंने
सोचा और फिर मैंने आशुतोष को कहा कि आशु मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, ना सिर्फ एज एन एक्टर लेकिन एज अ प्रोड्यूसर भी मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, मैं खुद ये फिल्म प्रोड्यूस करूँगा। और जब उसने ये कहा तब दैट वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, मतलब सबसे खुशी का दिन था मेरे लिए। और फिर शुरू हुआ इस कहानी को पर्दे पर लाने का सिलसिला। एंड एज अ प्रोड्यूसर मैंने आशु को सिर्फ एक ही सलाह दी, जैसे तुम्हें फिल्म बनानी है वैसे बनाओ, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, जो तुम्हारा दिल कहे उस तरह से तुम फिल्म बनाओ और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मेरी क्रिएटिव टीम को जिस टेक्नीशियन ने पहले ज्वाइन किया वो थे नितिन चंद्रकांत देसाई, जो फिल्म के कला निर्देशक थे। तो नितिन और मैं हम दोनों निकल पड़े चंपानेर की तलाश में। एज ए प्रोड्यूसर मुझे सोचना था कि जो मेरी प्रोडक्शन टीम होंगी, हु विल बी यू नो पार्ट ऑफ दैट टीम, कौन कौन लोग होंगे प्रोडक्शन में। मैं जानता था कि एज एन एक्टर मैं बहुत बिजी रहूँगा फिल्म के अंदर, तो मुझे किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जो मेरे बहुत नज़दीक हो, जिस पे मेरा पूरा भरोसा हो। आमिर वाज रियली बिजी। आमिर दूसरे कामों में बहुत बिजी था, वो दूसरों की फिल्में कर रहा था, हर तरह के कामों में फंसा था, कोई ऑफिस नहीं था, सेटअप नहीं था, उसे पता ही नहीं था कहाँ क्या हो रहा है। मैंने आमिर से कहा कि अगर तुम फिल्म बनाने के बारे में सीरियस हो तो तुम्हें पक्का इंतज़ाम करना होगा, तुम ऐसे फिल्म नहीं बना सकोगे। मैंने तो एक बीवी जैसे कहती है वैसे बात कह दी, जिंदगी में थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाओ एंड ऑल दैट। तो ये सोचकर मैंने एक दिन रात को रीना से बात की और मैंने रीना से कहा कि क्या तुम प्रोडक्शन में मेरी मदद करना चाहोगी। तो रीना ने कहा कि भाई मुझे फिल्म प्रोडक्शन के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, फिल्म मेकिंग के बारे में कोई जानकारी है नहीं, मैं कैसे संभाल पाऊंगी। मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। शादी से पहले फिल्मों से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। तो मैंने कहा मैं हूँ और मैं मदद करूंगा, उसके अलावा तुम सीख लेना। बस यही मेरी शुरुआत थी। रात में मैंने आमिर से बात की और अगले दिन मुझे सुबह ऑफिस में बिठा दिया गया और कहा कि अब कुछ करो। चंपानेर के लिए मुझे एक ऐसे जगह की जरूरत थी, एक ऐसे लैंडस्केप की जरूरत थी जहाँ की धरती खेती बाड़ी की लगे लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी लगे कि यहाँ पर 2-3 साल बरसात नहीं हुई है, सूखा पड़ा है। लास्ट। और ये एक कॉम्बिनेशन बहुत ही मुश्किल है मिलना। खैर हमारी पसंद का गांव तो हमें नहीं मिला, लेकिन ये सारा सफर मेरे लिए एक गांव दर्शन जैसा साबित हुआ। इतने अलग अलग गांव देखने को मिले, उनके अलग अलग रीति रिवाज, उनका रहन सहन, देखकर ऐसे महसूस हुआ जैसे आज भी हम एक अतीत में ही रह रहे हैं। फिल्म पुराने जमाने की है लेकिन काम करने का तरीका नए जमाने का। लगान की शूटिंग 4.5 महीने के लंबे शेड्यूल में पूरी की जाएगी। डबिंग के बजाय सिंक साउंड का इस्तेमाल होगा और जोर इस बात पर है कि लगान टीम में सिर्फ ऐसे लोग शामिल हो जो आशुतोष के सपने को अपना समझे। लगान में हमने एक चीज का ध्यान रखा था कि जो आदमी इस फिल्म में काम करेगा, चाहे वो एज एन एक्टर हो या एज ए टेक्नीशियन हो, ना सिर्फ उसकी काबिलियत देखी जाएगी लेकिन उसकी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट देखी जाएगी कि वो कितने जोश में है, वो कितनी स्क्रिप्ट उसको पसंद आती है। गांव में है, फिर कैरेक्टर्स इसके बड़े निराले हैं, बिल्कुल अलग हैं, इस तरह के कैरेक्टर हिंदी सिनेमा में देखने को नहीं मिलते। I thought it was a very challenging project. ये एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था। ऐसा म्यूजिक जिसमें लोक धुन, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक और 1890 वाली फीलिंग हो। एक शेड्यूल, एक ही लोकेशन पर कास्ट और क्रू के सारे लोग। इस प्रोजेक्ट के प्लान से भी मैं बहुत इम्प्रेस हुआ क्योंकि हम इस तरह से फिल्म बनाते ही नहीं हैं। यूजुअली हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस, मान्यता दिया नहीं जाता है। स्क्रिप्ट कभी देखने नहीं मिलता है,
कभी अगर देखने मिलता है तो सेंसर में सबमिट करते हैं तो तभी एक बाउंड स्क्रिप्ट मिलता है। यहाँ आमिर जी 9 महीने पहले, शूटिंग से 9 महीने पहले हम लोगों को बाउंड स्क्रिप्ट दिए हैं और बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन हमको प्लान करना है, शेड्यूल प्लान करना है। धीरे धीरे टीम बनने लगी है। भारत की अकेली ऑस्कर विजेता भानु अथैया सभी कलाकारों के कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगी, कनाडा की निकोल डेमस मेकअप डिजाइन करेंगी और पीना रिज्जी बालों को। स्क्रीन प्ले में कुमार दवे और संजय दायमा आशुतोष के सहयोगी हैं और केपी सक्सेना अवधि संवाद लिखेंगे। नकुल कामटे के कंधों पर सिंक साउंड की जिम्मेदारी है। अब्बास अली मुगल एक्शन संभालेंगे। डैनियल रॉफ ब्रिटेन में कास्टिंग डायरेक्टर है और बल्लू सलूजा फिल्म एडिट करेंगे। हॉलीवुड से प्रशिक्षित अपूर्व लाकिया फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। चमत्कार हो गया। पूरे भारत में महीनों घूमने और खोजने के बाद आशुतोष को अपना चंपानेर मिल गया कच्छ में। I had no word to say to the director. इतना एक रिमोट विलेज में, इवन बॉम्बे को बॉम्बे में मालूम नहीं कि कच्छ जैसे कोई विलेज या कोई टाउन है, कोई डिस्ट्रिक्ट है। भुज वाज रियली अ वे आउट प्लेस। भुज हमारे लिए एक अजीब जगह थी। किसी को पता भी नहीं था कि वो है कहाँ। बिल्कुल रेगिस्तान, कोई होटल नहीं, आने जाने के लिए ढंग की सुविधा भी नहीं थी। और अगर शूटिंग गर्मियों तक चले तो वहाँ 47-48 डिग्री टेम्परेचर होगा, लोग तो बेहोश हो जाएंगे। प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है और लोग पागलों की तरह लगे हैं। तुम में से भुवन कौन है? आमतौर पे इंडिया में जो फिल्में बनती हैं स्क्रीन टेस्ट नहीं होता और यहाँ पर एक्टरों को बुरा लगता है कि भाई मुझे टेस्ट कर रहा है, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट हूँ। ऐसा करने से पता नहीं कौन सी आपत्ति हमारे गांव पर पड़ सकती है। और जब आप स्क्रीन टेस्ट करते हैं तो आपको फौरन पता लग जाता है कि ये आर्टिस्ट इस कैरेक्टर में सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नजर के सामने बात आ जाती है। तुम सचमुच चल लड़ोगे? तो खैर आशु ने शुरू की अपनी टेस्टिंग और बहुत सारे एक्टरों को टेस्ट किया। भुवन, क्या मुझे मेरा राजकुमार मिलेगा? आज गुरन ने मेरा नसीब बताया है। कब फूट रहा है? धत, मैं नहीं बता। कास्टिंग के मामले में एक मुश्किल पहलू था अंग्रेजों की कास्टिंग, तो इसके लिए हमें लंदन जाना पड़ा उनकी कास्टिंग के लिए। लंदन में कोई जानता नहीं हमको, ना कोई आशुतोष को जानता है, ना रीना को जानता है, ना मुझे जानता है। हम तीन लोग जा रहे हैं। Why do you think you're here? Play games. तो हम उनसे कहें कि भाई हम हिंदुस्तान से आए हैं और हम एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमें अंग्रेज आर्टिस्ट चाहिए। बड़ी खुशी हुई। आपके प्रोडक्शन ने कितनी फिल्में बनाई? तो हम कहते थे कि नहीं भाई ये तो पहली फिल्म है हमारी। बोला अच्छा पहली फिल्म है, मतलब नए लोग आए हैं इंडिया से, हमारे ब्रिटिश एक्टरों को साइन करना है। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी कमाल की होती थी कि जो भी स्क्रिप्ट पढ़ता था वो मतलब फौरन बोलता था कि हाँ मुझे इस फिल्म में काम करना है। स्क्रिप्ट सबको पसंद आती थी। Funny to do.
जो रिक्वायरमेंट्स आशुतोष ने दी और मैंने दी रीना को, उस हिसाब से जब रीना ने बजट बनाया तो रीना ने कहा ये फिल्म की कॉस्ट आएगी 12 करोड़। एंड दिस पर्टिकुलर फिल्म, ये एक ऐसी फिल्म थी जो बिल्कुल हाथ से निकल सकती थी, इसका कैनवस बहुत ही विशाल था। रीना कहती है कि भाई इतना पैसा आप लोग खर्चा कर रहे हैं, आप इतनी अलग फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ठीक से बेच पाएंगे नहीं बेच पाएंगे, किस प्राइस पे आप बेच पाएंगे आपको कुछ अंदाजा है? मैंने कहा कुछ अंदाजा नहीं, अभी सिर्फ फिल्म बनानी है हमें। Like Aamir said, आमिर का कहना ठीक था, ये फिल्म एक जंगली घोड़े की तरह है, अगर लगाम को ज्यादा ढील दे दी तो ये घोड़ा बेकाबू हो जाएगा और फिर उसे रोकना मुश्किल होगा। प्रोडक्शन ने कच्छ में बेस बनाया, मैं वहाँ की टीम में शामिल हूँ। पत्नी स्वाति और बच्चों को छोड़कर कच्छ आना आसान नहीं था, लेकिन फिल्म तो वहीं बननी है। कच्छ गर्म है, उजाड़ और सूखा है, लेकिन उस लोकेशन में एक सहज सुंदरता है। आशुतोष और नितिन झगड़ रहे हैं, चंपानेर में कहाँ क्या होगा, गांव में कहाँ किसका घर होगा, गांव की चौपाल कितनी बड़ी होगी। चंपानेर में जीवन फूंकने के लिए छोटी छोटी बातों पर भी गौर किया जा रहा है। कच्छ में सभी के रहने का इंतजाम करना है। हमें पता चला कि भुज में सिर्फ 3 ही होटल हैं। कोई भी होटल है ज्यादा से ज्यादा 12 रूम है, 20 रूम है। We wanted accommodation for 300 people. अगर हम जबरदस्ती भी करते तो उन्हें होटल में एक छोटे से रूम को शेयर करना पड़ता, और 5 महीने लोगों को ऐसी हालत में रखना तो हो ही नहीं सकता था। हमें पता था कि अगर हम उन्हें इस हालत में रखते तो 2 महीने में ही लोग मुंबई भाग जाते और कहते पैकअप। होटल की समस्या सुलझाई गई, एक साहसी फैसला लिया गया। सहजानन टाज नाम की बिल्डिंग किराए पर ली गई और मुझे 1 महीने का समय दिया गया कि मैं सभी कमरों में एसी, गीजर और फर्नीचर की व्यवस्था कर दूं, यानी सहजानन टाज को होटल में बदल दूं, कच्छ का सबसे बड़ा होटल। मैं पागल हो रहा हूं। फिल्म की शूटिंग कच्छ में है, जरूरी है कि कच्छी उसे अपनी फिल्म समझे। प्रोडक्शन अपने इस उद्देश्य को लगन के साथ पूरा कर रहा है। सेट का निर्माण मुंबई से आए मजदूर नहीं, पड़ोस के गांव से बुलाए लोग कर रहे हैं। और कोटाई गांव के दाना भाई को टीम में शामिल होने के लिए राजी किया गया है। पहले हम कभी ये फिल्मी इंडस्ट्री में जाते भी नहीं थे और कोई हीरो से के कोई ऐसा एक्टरों से मिलते नहीं थे। मैंने उनको खूब समझाया कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हमें किस तरह उनकी मदद चाहिए और किस तरह उनका इन्वॉल्वमेंट हमें बहुत हेल्प करेगा। देखते देखते गांव बन रहा है, ईंट पत्थरों से नहीं, गोबर और घास से। 100 साल पहले की दुनिया जन्म ले रही है। अंग्रेज क्रिकेट टीम की कास्टिंग बहुत मजेदार थी। मुझे एक्टर्स ऐसे चाहिए थे जो क्रिकेट खेलना जानते हो, ना कि क्रिकेटर्स जो एक्टिंग जानते हो। तो ये रिक्वायरमेंट देते हुए डैनियल रॉफ, जो लंदन की कास्टिंग डायरेक्टर थी ब्रिटिश एक्टर्स की, वो काफ़ी सारे एक्टर्स को ले आई जो क्रिकेट खेलना जानते थे। तो उनमें से अब क्रिकेट टीम को चुनते वक्त मुझे लगा कि एक ही तरीका है जो अपनाया जाए, और वो है उनसे एक मैच खिलवाने का। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत हुई हम लोगों को, और वो बड़े सवाल पूछते थे कि अच्छा इंडिया इतनी दूर कंट्री है, वहाँ जो आर्टिस्ट हम चुनेंगे वो कहाँ रहेंगे, और उनको ठीक से खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये होगा नहीं होगा। तो खूब हम लोग समझाते थे उनको कि भाई आप घबराइए मत, सब चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम भुज में शूटिंग कर रहे हैं, बहुत ही छोटा शहर है, वहाँ
कोई बड़ा 5-स्टार होटल नहीं है और तकलीफ जरूर होगी, वहां गर्मी बहुत है, मक्खियां हैं, ये सब तो चीजें हैं भाई। जो आएगा इंडिया वो सब ये सब चीजें जहन में रख के आए। शूटिंग में एक महीना बाकी है, सभी विभागों के प्रमुख ड्राई रन के लिए भुज आए हैं। वे सभी लोकेशन पर जाएंगे और सारी चीजों का जायजा लेंगे। इससे बहुत फायदा होता है। कैमरामैन अनिल मेहता इस बात से परेशान है कि चंपानेर की रेतीली मिट्टी चमकती है। मिट्टी की इस चमक को रोकने के लिए चिकनी मिट्टी और गोबर से पूरे गांव की लिपाई करनी होगी। आशुतोष परेशान है कि झोंपड़ियों की छतें धूप से काली हो गई है, उन्हें नई घास फूस से बांधना होगा। झोंपड़ियों में टॉयलेट छिपाए गए हैं। भानु अथैया पाती है कि इनके छोटे दरवाजों में से बड़े बड़े ड्रेस वाली ब्रिटिश महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होगी, उन्हें चौड़ा करना होगा। इतनी सारी चीजें बदलनी होगी, सोचकर ही डर लगता है। एक्शन! एक्शन! चालो बना! ट्रायल रन में हम पहली दफ़ा जो भुज के आर्टिस्ट जो आशुतोष ने सेलेक्ट किए थे और जो गांव वाले थे जो हमारे लिए काम करने वाले थे, उनको हम पहली दफ़ा मिले और उनके साथ हमने रिहर्सल किया, ये भी देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। Because we don't know, you know, as a shooting के दौरान, you know, we suddenly discover that these guys can't act, they can't face a camera. સતુષ ભાઈ એમ કે છે કે આજે આપણે ગામનો કામ કર્યો તમે લિપાઈ, પછી આ જે બુંગા બાંધ્યા એ બહુ સારા બાંધ્યા છે અને બહુ સારો કામ કર્યો છે। જરૂરી યે હે કે હમ એક દૂસરે કો સમજ લે, વી આર નાઉ અ પાર્ટ ઓફ વન ગ્રુપ। યે જોશ અગર હર દિન બના રહે તો મજા આ જાયેગા। रहमान और आशुतोष बैठ के बनाते थे, मतलब रहमान ट्यून बनाता था और आशुतोष सेलेक्ट करता था ट्यून। सेलेक्ट करने के बाद वो मुझे फोन पे सुनाता था कि यार ये ट्यून मैंने सेलेक्ट किया है वो, लेकिन गाना बनते बनते फिर भी वक्त लगता है और अल्टीमेटली होते होते अक्टूबर नवंबर और फिर दिसंबर आ गया और अभी तक हमारे गाने रिकॉर्ड नहीं हुए थे और काफी टेंशन हो गई हम लोगों के, भाई जनवरी में तो शूटिंग है अब। फिर अल्टीमेटली रिकॉर्डिंग शुरू हुई दिसंबर 15 के बाद शायद। घनन घन घनन घिर आए बदरवा, घनन घनन घिर घिर आए बदरा, घन घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक मुझे बदरा के ढंग के, चमक चमक देखो बिजुरी या चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। एंड फाइनली 31st दिसंबर तक रिकॉर्डिंग ही चल रही थी, मतलब जब पूरी कंट्री नए मिलेनियम को दावत दे रही थी। मैं चौपाटी पे वो गाना कर रहा था न्यू ईयर्स के रात को, देखो 2000 जमाना आ गया, और उस वक्त रहमान और आशुतोष जो थे स्टूडियो में मद्रास में जो है अपने रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आखिर तक हम लोग परेशान थे कि हम लोग वक्त पे तैयार होंगे या नहीं। There were a lot of things happening. बहुत सारी चीजें हो रही थी और वो भी एक साथ। घोड़ों का इंतजाम, शूटिंग के जरूरी सामान खरीदने थे, सेट फाइनल हो रहा था, साउंड डिपार्टमेंट कुछ चाहता था, कैमरा डिपार्टमेंट की अपनी मांगे थी, हेयर डिपार्टमेंट कुछ और चाहता था, ऑडिशंस चल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे थे। दिन भर इतनी भागदौड़ कर रहे थे हम लोग कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। आमिर,
Aamir. Everyone's come, they're waiting for you, come on. So making a Lagaan you shooting. Oh Christ. Hello, how are you? Oh, excuse me. Hi Ash. Hi Satya. Where is Satya? Yeah. Where is Aamir? शूटिंग की तारीख तय हो चुकी थी 6 जनवरी 2000 और मैं चाह रहा था कि सब एक्टर्स कम से कम एक हफ्ता पहले भुज पहुंच जाएं, यानी लोकेशन पहुंच जाएं। शूटिंग से 4-5 दिन पहले पहुंचने का मकसद ये था कि जितने आर्टिस्ट हैं वो अपने किरदार के बारे में सोचना शुरू करें और इसके अलावा माहौल में हम लोग समाने लगें, उस पीरियड में हम लोग जाने लगें। गांव था वो एक असली गांव की तरह बनाया गया था, शूटिंग का सेट जैसे होता है वैसे नहीं था। इससे एक्टरों को बहुत फायदा होता है, एक असलियत महसूस होती है। अब एक्टर्स के लिए एक मेहनत का दौर शुरू हो गया, वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अब अपने घरों में बिताने लगे, एक तपा हुआ शरीर पाने के लिए धूप खाने लगे, इवन जस्ट टू पिक अप अ टैन। अलग अलग औजारों को इस्तेमाल करने के तरीके सीखने लगे, वो एक नया जीने का तरीका अपनाने लगे जो उनकी रोजमर्रा जिंदगी से बहुत ही अलग था, जो शहरी नहीं बिल्कुल ग्रामीण था। इस्माइल ने जो कि कुम्हार था गमले बनाने शुरू कर दिए। अब पहले तो बहुत ही अजीब और गरीब टेढ़े मेढ़े गमले बनाता था। आघा जो पिछले 6 महीने से उसकी ढोल बजाने की उसकी जो ट्रेनिंग चल रही थी, प्रैक्टिस चल रही थी, अब जाके कहीं उसके बजाने में एक लय और एक ताल आने लग गया था। दूसरी ओर आमिर परेशान था कि उसकी मूछ क्यों नहीं है। मुझे लगा था कि भुवन जो है उसे मूछ रखनी चाहिए। मेरी वजह यह थी कि आज के दिन में भी अगर आप गांव में जाएं तो जितने मर्द हैं वो हमेशा मूछ रखते हैं। 100 साल पहले तो आपको एक नहीं मिलेगा जो मूछ नहीं रखता। इसके अलावा कहानी के मुताबिक पानी की कमी है, पानी की कमी है, ये बंदा रोज शेव कर रहा है, हद हो गई। तो आमिर ने अलग अलग मूछे लगाने की कोशिश शुरू की, कभी पतली वाली मूछ लगा लेता, कभी मोटी वाली, कभी थोड़ी सी मुड़ी हुई मूछ लगा लेता। अब अलग अलग समय पे, अलग अलग वक्त पे और अलग अलग जगह पे मुझे पकड़ लेता और कहता, आशु देख ये मूछ कैसी है। तो क्या कर सकते थे? था कोई चारा? नहीं। और कोई चारा था? कोई चारा नहीं, कोई चारा था, क्या कर सकते थे? ये बात। और फिर एक आखिरी बार मैंने सारे एक्टर्स को चेक किया कि उनकी हेयर स्टाइल्स कैसी हैं, उनका मेकअप कैसा है, उनके कपड़े हैं वो किस तरह से उनको उन पे जच रहे हैं, और उसके बाद बस मैंने इंतजार किया। जो पहला शॉट था फिल्म का, उस वक्त मैं बड़ा टेंस था, बहुत से ख्यालात जहन में घूम रहे थे। 1 साल से हम लोग तैयार हो रहे थे शूटिंग के लिए और उस दौरान हमने कई डिसीशंस लिए थे, उनका अंजाम अभी हमें हमारे सामने आने वाला था, क्योंकि अगर हमने कोई गलत फैसला लिया था तो वो हमको आज पता चलेगा कि वो गलत था सही था, क्योंकि अब उनको हम बदल नहीं सकते। घबराहट थी कि आशुतोष एज ए डायरेक्टर इतनी बड़ी फिल्म संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, इतना बड़ा यूनिट, इतने सारे एक्टर्स को लीड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जाहिर है मुझे उस पर भरोसा था तभी मैंने फिल्म की, लेकिन फिर भी कहीं पर एक चिंता भी थी।
quiet, please. पहले ओनो. Ready, Anil? Tell me when the camera is rolling. You're giving the roll. Okay, everyone ready? Quiet, please. Here we go. And roll camera. And action. पिछले साल बारिश हुई थी, लेकिन काम और इस साल फिर से बारिश नहीं. 6 तारीख की सुबह मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था. सब तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एक हलचल सी थी, एक बेचैनी सी थी. और महीनों हम तैयारियां कर रहे हैं, आई एम प्रिपेयरिंग विद अनिल मेहता, नितिन देसाई, भानु अथैया जी, सबके साथ बहुत करीब से तैयारी हो चुकी है. लेकिन फिर भी 6 तारीख की सुबह जब मैं लोकेशन पे खड़ा था, तो अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे सब के सब मुझसे अलग हो गए, मुझसे दूर हो गए. सब स्पॉटलाइट मेरे पे आ गया है और सब मेरी तरफ मुझे ताक रहे हैं. तो मुझे लगा कि सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं. That's a cut. I think it's wonderful. तो जब पहला शॉट हुआ तो सब लोग बड़े खुश हुए. एक्साइटमेंट थी कि जो हम फिल्म बनाना चाह रहे थे उसकी शूटिंग आज शुरू होने वाली है. तो वो एक इमोशनल फीलिंग थी. मेरा सारा परिवार वहां था, अम्मी, अब्बा जान, चाचा जान, चाची जान, और उनकी नजरों में मुझे नजर आ रहा था कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि उनका जो लड़का है वो कुछ कर रहा है, अभी वो भी प्रोडक्शन शुरू कर रहा है. और तो मुझे तो रोना आ गया, मतलब काफ़ी लोगों को रोना आ गया, मुझे तो बहुत ही रोना आ गया कि आखिर में सब लगातार काम और ये ठीक है कि नहीं और ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, वो सब एक साथ, मतलब वो आ गया, एक इकट्ठा हो गया और वो शॉर्ट हो गया. मैं काफ़ी वो इमोशनल मोमेंट हो गया था मेरे लिए. सिस्टम दैट वी वर फॉलोइंग, पीपल आर नॉट यूज्ड. जिस सिस्टम से हम काम कर रहे थे उस सिस्टम की लोगों को आदत ही नहीं थी, और उसकी वजह थी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स, जिनके काम का तरीका बहुत स्ट्रिक्ट था. उनके पास कॉल शीट्स थी ताकि लोग सही टाइम सेट पर पहुंचे और तय काम खत्म करें. फिर ये था कि आमिर खान है सुपरस्टार, तो उनके लिए एक मर्सिडीज होगी जिसमें बैठ के वो जाएंगे शू, पीछे हम कहीं जाएंगे कुछ कार सवार से. अचानक पता लगा नो देर इज़ अ बस, 5 बजे बस में बैठे देगा सब है. शायद पता लगा आमिर खान भी उसी बस में है. ये कुछ चक्कर नया है. बिफोर कमिंग टू भुजा, बुझाने से पहले मुझे लगता था क्योंकि मैं फिल्म की हीरोइन हूँ इसलिए मुझे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, पर यहाँ तो सब उल्टा था. हर आदमी को सुबह 4-5 बजे उठना पड़ता था. अगर आप 2 मिनट भी लेट हुए तो बस आपको छोड़कर चली जाएगी. हर वक्त डिसिप्लिन में रहना पड़ता था. हमारे जो फर्स्ट एडी हैं पूरे वो बड़े सख्त आदमी थे. उन्होंने डिसाइड किया था कि बस किसी के लिए नहीं रुकेगी. दूसरे दिन मैं 5 बजे पहुंचना था, तो मैं 5:05 में पहुंचा, देखा तो बस नहीं है, मतलब निकल गई मेरे बगैर. अब मुझे बड़ी ताजुब हुआ, एक तो मेरे बगैर निकल गया, 5 मिनट लेट आया मैं, यार रुके नहीं. लेकिन उसका जो असर हुआ लोगों पे, सब लोग समझ गए यार आमिर का नहीं रुके तो हमारे लिए, प्रोड्यूसर के लिए नहीं रुकी है बस तो हमारे लिए कहाँ रुकेगी. और जब मेकअप रूम में पहुंचो तो एडी चिल्लाना शुरू करते थे, मेकअप हुआ कि नहीं, कॉस्ट्यूम्स पहने कि नहीं. इट्स बीन लाइक क्वाइट शॉकिंग. क्योंकि इतने ज्यादा आर्टिस्ट थे शूटिंग के दौरान, ज्यादातर सीन्स में 20-25-30 आर्टिस्ट हैं. कुछ दिनों में वो आर्टिस्ट की संख्या 50-60 हो जाती थी. अब इतने लोगों को तैयार करना, सुबह सुबह हम 8 बजे शुरू करना चाह रहे हैं. कॉल शीट में टाइमिंग थी कि आप
पाँच बजे सुबह बस में बैठेंगे निकलेंगे। जैसे मेरे लिए अगर आमिर 6 बजे मेकअप में बैठेगा, 6:30 बजे वो बाल वाल जो भी करना है, वो 5 मिनट कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए। हर चीज़ का टाइमिंग था, जैसे जिस तरह मेरे लिए टाइमिंग था वैसे हर आर्टिस्ट का टाइमिंग लिखा गया। ये एक ही तरीका था इस फिल्म को बनाने का, ताकि लोग सेट पर सही वक्त पर पहुंचें, सही वक्त पर शूटिंग शुरू हो और जितना प्लान किया था उतनी शूटिंग टाइम पर खत्म हो जाए। घनम घनम की शूटिंग की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि आमिर के अलावा किसी भी एक्टर ने कभी भी किसी भी फिल्म में लिपसिंक नहीं किया था और ना ही किसी गाने पे कभी नाचे थे। घनन घनन में एक खास बात यह भी थी कि वो बहुत मुश्किल गाना था, उसमें नॉर्मल वर्ड्स नहीं है। हाँ, वो बहुत हॉरिफाइंग था। मैं पहले सोचता था क्या यार बहुत आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। सारा दिन हम शूटिंग करते रहे, टेक पे टेक होते रहे, लेकिन ओके टेक नहीं मिला। तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि भाई ये कैसे होगा। तो मुझे लगा कि इसके लिए कुछ एक तरकीब निकालनी होगी। तो रात को खाना खाने के बाद मैंने सब एक्टर्स को डाइनिंग हॉल में बुलाया और उनसे कहा कि अब आप जोर शोर से इस गाने को गाइए। I'll say go, 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 go. बार बार हम लोग वो गाना दोहराते थे। पहली दफा लोग गलत गा रहे थे, फिर धीरे 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 सब लोगों को गाना याद भी हुआ और ठीक से गा भी रहे थे और खुल के गा रहे थे। अब जब गा रहे थे वो कॉन्फिडेंस से गा रहे थे। अब खाली रह गया था नाचना। वो सेट पे जब हम शूटिंग करने गए तो दैट टू कॉन्सेंट ओनली ऑन डांसिंग एंड दैट इज हाउ वी कुड एक्चुअली एक्सट्रैक्ट सब एक्टर्स का परफॉर्मेंस। आपने हाथों को देखिए ना, बस सब आसान हो जाएगा। ये सब नहीं चलेगा, ये कभी यही है, नहीं नहीं यही तो गेम है। कभी यूं कभी यूं, एक्चुअली आपको नजर में देखना चाहिए, नजर का खेल नहीं है। बना और आज मूड बनाया करो, अब जोर से मारिए ना। किरण Now they're doing I just feel like they're
धनन गीत से सेट पर खुशी का माहौल छा गया है। जवानों की तरह उत्साह से नाच रहे हैं बुजुर्ग। कच्छ के बच्चों ने हमारा दिल जीत लिया है। मुझे खास पसंद है मासूम ऋतु। अरे अंकल ने बहुत मोटी मोटी हीरोइनों को उठाया है। चांपानेर गांव के किरदारों के लिए मैंने भुज में से नए कलाकारों को कास्ट किया था, और जिन गांव वालों ने चांपानेर गांव बिल्ड किया बनाया उनको मैंने बैकग्राउंड एक्शन के तौर पे लिया था। बैकग्राउंड एक्शन यानी जूनियर आर्टिस्ट जो पीछे के सब गांव वाले थे। एक्टिंग जो हम उनको इंस्ट्रक्शंस दें, जो हम उनको बताएं, वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? कैमरा से कॉन्शियस तो नहीं हो जाएंगे? मतलब अभी शॉट के दौरान वो कहीं कैमरे पे तो नहीं दिख रहा है, ऐसे तो नहीं कर रहा है? सिनेमा जाके कभी और पिक्चर नहीं देखा, पहली बार ये पिक्चर बनाने पहली बार हम देखते हैं, कुछ भी नहीं देखा पिक्चर। और आमिर खान को तो हम पहचानते नहीं, यहाँ पहली बार देखा आमिर खान। ये जो पहले हम इधर आया था ना, तो ऐसा पड़ा था मैदान, इसमें कोई ऐसा हमको नहीं लगा था कोई इधर गांव बनेगा, शूटिंग आएगी, ऐसा नहीं था। आया बात, ये बन गया सब। हमने तो पहले शूटिंग कहाँ देखा ही नहीं, पहली बार देखा है, पहली बार काम किया। ब्रिटिश एक्टर्स पहुंच चुके हैं, पूर्व और पश्चिम का मिलन हो रहा है। मैं बेताब हूं मिलने को खलनायक कैप्टन रसल से। ये बेशर्म बेकार ब्रिटिश लोग दुनिया को रौंदते हुए पता नहीं खुद को क्या समझते थे। मैं ये ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ रहा था, मैं तो शर्म के मारे। जब रेचल और पॉल दोनों भुज पहुंचे तो बहुत ही घबराए हुए थे, क्योंकि आखिर उन्हें एक ऐसी भाषा में एक्टिंग करनी थी जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते थे। Nothing. कुछ नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं की, बस मैंने मुंह खोला और हिंदी बरसने लगी। एक्शन। ठीक है, ठीक है, तुम्हें लगान माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें ये स्केल में हमें हारना होगा। आओ। लेकिन तुम्हें स्केल में हमें हारना होगा। पॉल से पहली बार जब मैं मिला तो मुझे एहसास हुआ कि वो काफी लबड़ू किस्म का इंसान है, और जब हिंदी की लाइंस वो सीखने बैठेगा तो एक हफ्ते में उसको इतनी कोफ्त हो जाएगी वो बोलेगा मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं कैफे में बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मैंने सोचा पहली लाइन याद कर लूँ, और 15 मिनट के बाद ठीक से 3 अक्षर भी ना पढ़ पाने पर मैंने माथा पकड़ लिया और सोचा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानता था कि ये बहुत ही मुश्किल काम है इनके लिए सारे डायलॉग्स सीखना और समझना, तो मैंने लंदन में एक लड़की है समीन करके, उसको मैंने अपॉइंट किया था। तो समीन से मैंने कहा कि ये रही स्क्रिप्ट और ये रहे 2 ब्रिटिश एक्टर, अब हिंदुस्तान पहुंचने से पहले इन्हें अपनी हिंदी लाइंस याद हो जानी चाहिए। तुम बोलो, तुम न लगान दोगे? कैसा तो मंजूर है। अल्टीमेटली पॉल और रेचल भुज आए तो ताज्जुब की बात यह थी कि जब हम रिहर्सल करते थे उनको स्क्रिप्ट पढ़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ती थी,
और वो सारे जो डायलॉग्स थे वो बगैर देखे वो रवानगी से बोलते थे। I know my lines and I know I've learned. मुझे अपने डायलॉग याद हैं। मैंने उन्हें ऐसे याद किया है कि मुझे हर शब्द का मतलब पता है। अगर आशुतोष कहते हैं कि उन्हें एक अलग एंगल चाहिए या कोई और भाव चाहिए तो मुझे मालूम है कि मुझे किन शब्दों पर जोर देना है। कहाँ दिख रही है मैम साहब? ये स्टैच्यू मूर्त किसकी है? लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी दूसरे एक्टरों को सुनना। ये राधे किशन का मंदिर है मैम साहब, भगवान किशन। क्योंकि सुनना भी एक्टिंग का अहम हिस्सा है। क्या दोनों पति पत्नी? अगर सामने वाला एक्टर किसी शब्द पर जोर देता है तो आप उस पर रिएक्ट करते हैं। अरे नहीं नहीं मैम साहब, किशन जी की शादी तो रुक्मणी से हुई थी और राधा जी की अनाई से, लेकिन दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम था। हिंदी में ये बहुत मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था कि मुझे उनके भी डायलॉग याद करने पड़ते थे जो बहुत भारी होता। आप समझ लो कमल के फूल, सॉरी, जो एक मिसाल बन के रहेंगे। केवल पॉल और रेचल को ही फिल्म की भाषा से दिक्कत नहीं है। मुझे बड़ी तकलीफ हुई अवधि के साथ, क्योंकि मैंने एज एन एक्टर मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए 3 महीने रखूंगा जो मैं अपने कैरेक्टर पे काम करूंगा, डायलॉग्स पे काम करूंगा, अवधि पे मेहनत करूंगा, प्रिपेयर करने का मौका, तैयारी करने का मौका मिलेगा। मैंने सोचा था कि मैं यूपी के किसी एक छोटे गांव में जाके 1-2 महीने रहूँगा, गांव वालों के साथ रहकर उनका उठना बैठना और जो उनकी ज़बान है, जब यूपी में जाऊँगा तो वही ज़बान में सुनूँगा, वही ज़बान में बोलूँगा उनके साथ, तो वो सब चीज़ें मेरे खून में उतर जाएंगी। और वो 3 महीने का मौका मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मुझ पर इतनी जिम्मेदारियाँ थीं, उनसे निपटते निपटते मतलब मेरा सारा वक्त ही निकल गया। और मैं बड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैंने अवधि पे काम नहीं किया था, मौका ही नहीं मिला था मुझे, और शूटिंग का पहला दिन आ गया मेरा। So, Bhuvan, tell me what you know about the game. क्या चीज? भीम साहब पूछ रही हैं कि तुम इस खेल के बारे में क्या जानते हो? अरे बहुत कुछ, 6 डंडियां हुए हैं, 3 ई तरफ और 3 उ तरफ, 2 ही लोग हाथ में फल्ली लेकर डंडियों के आगे खड़े होते हैं, 1 ससुराल दौड़ के डंडियों के पास से गोला फेंकत है और फल्ली वाला फल्ली लेकर गोले को दे घुमाता है और फिर सब जने भी। लाइन्स तो याद कर ली है मैंने, लेकिन अवधि बोलते बोलते मैं खड़ी बोली में उतर जाता था, तो बीच में रुक के मुझे बड़ी कोफ्त होती थी कि यार, चूंकि मैं इतने सालों से हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी निकल रही, अवधि नहीं निकल रही। फिर बल्ला घुमाते हैं, बल्ला घुमाते हैं। नहीं आती कि बीच में एक मानुष। अब बाकी के एक्टर्स मुझ पर खूब हंसते थे, लेकिन उनके लिए तो ये बड़ा आसान था क्योंकि ज़्यादातर हिंदी बेल्ट के थे, यूपी एमपी के। मेहनत तो मुझे करनी पड़ती थी और प्रोडक्शन का काम अलग। तो अगले दिन के सीन के डायलॉग पर मैं 1 रात पहले काम करना शुरू करता था। आई वॉज लिटरली प्रिपेयरिंग 1 नाइट बिफोर। एक गाने की शूटिंग चल रही है और चंपानेर को नशीली लाइटिंग में भिगोया जा रहा है। रात का सन्नाटा मधुर स्वरों से गूंज रहा है।
हमारा सपना भंग हो गया। फिल्म के सबसे बुजुर्ग एक्टर हंगल साहब गिर पड़े। बात सुनो, मैं मेरा पांव फिसल गया, गिर गया। उस दिन टेम्परेचर था 3 डिग्री, ठंड। अपनी कमर के बल पे गिरे थे तो जाहिर था कि उन्हें कम से कम 2 महीने आराम करना जरूरी था। पर मुझे इतना पेन होता था कि मैं डॉक्टरों को कहता था कि मुझे मार डालो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये पेन। मैंने एक सजेशन उन्हें दिया कि अगर वो चाहें तो बंबई वापस जा सकते थे, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे संदेशा भेजा कि जब भी मैं चाहूँ और जब भी मुझे ज़रूरत हो वो शॉट देने के लिए आ जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा ही नहीं था बंबई जाने का। अगर जाता तो फिल्म का क्या होता, कंटिन्यूटी का क्या होता। चालीस साल पहले इसी तरह ही बादल बस आकाश में आए और चले गए, और तब 3 साल बारिश नहीं हुई। 3 साल धरती में बस दरार दरार गांव छोड़े के पड़ा। अगले साल अगर यही हाल रहा तो गांव छोड़ने के अलावा कौनो ही रास्ता न बची, कौनो ही रास्ता न बची। इतनी सारी तकलीफ और दर्द के बावजूद उन्होंने शॉट दिया। द शो मस्ट गो ऑन। मैंने कहा ना मैं काम करूंगा कैसे भी। आई विल डाई विद माय बूट्स ऑन। हंगल साहब को लगी चोट तो पहली अड़चन थी, पर ऐसी बहुत सी वजहों से शेड्यूल लड़खड़ाता रहा। क्योंकि हम सिंक साउंड में शूट कर रहे थे, किसी भी बाहरी आवाज की वजह से हमें शूटिंग रोकनी पड़ती थी। भुज जो एरिया है वो एक एयरबेस है, तो वहाँ पे जो जेट्स, फाइटर जेट्स उड़ते थे दिन में 3-4 दफ़ा, जेट प्लेन तो आके निकल जाता था लेकिन उसकी आवाज़ बहुत पहले से आती थी और बहुत देर तक रहती थी। जब भी जेट प्लेन उड़ता था तो हमें कम से कम 20 मिनट के लिए शूटिंग बंद करनी पड़ती थी। और जब जहाज नहीं उड़ते थे तो कच्छ के रेगिस्तान में चल रही हवा की साएं साएं भी शूटिंग रोकने के लिए काफी थी। What have we done in order to... हवा को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। हमने माइक पे अलग से कपड़े लगाए, फोम के टुकड़े लगाए, बहुत से तरीके अपनाए, और जब लगा कि अब शायद काम चल जाए तो हवा की स्पीड 20 किलोमीटर और बढ़ जाती। कहानी की एक जरूरी बात यह थी कि चंपानेर में अकाल पड़ने की संभावना है, इसलिए आसमान में बादल नहीं हो सकते। तो बस शूटिंग के दौरान जब भी बादल आ जाते थे हमें शूटिंग रोक देनी पड़ती थी। सेट पर हमें कुदरत की कई हरकतों से जूझना पड़ा। किसने सोचा था कि हमें मिक्स लाइटिंग कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। बादल छाए रहेंगे, बार बार बादल छाए रहेंगे। प्रिय स्वाति, आज एक भी सीन की शूटिंग नहीं हुई और पैकअप हो गया। सेट पर लोग क्रिकेट खेल रहे हैं मगर माहौल में उदासी है। पार्टी तो हो चुकी, अब सच्चाई सामने है। प्रकृति खिलवाड़ कर रही है और शूटिंग का अमूल्य समय बर्बाद हो रहा है।
लेकिन हम जूझ रहे हैं। कल हम लोगों ने गांव के 800 लोगों के साथ 24 घंटे शूटिंग की। उन्होंने मुकाबला किया दिन में झुलसती गर्मी का और रात में कड़कड़ाती ठंड का। शूटिंग तो हमारी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो रफ्तार थी हमारी काम करने की वो बहुत धीमी थी। एक हफ्ता हुआ, दो हफ्ते हुए, मैं देख रही थी कि हम लोग बिहाइंड शेड्यूल जा रहे हैं। तीन चार हफ्ते के बाद मेरे को ऐसे लगा बाय द एंड ऑफ जनवरी कि पिक्चर बहुत शेड्यूल बहुत ऊपर जा रहा है। हालांकि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि काम जल्दी से जल्दी हो। रीना जो हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थी वो उस वक्त बम्बई में थी जब शूटिंग शुरू हुई, पे उनको रिपोर्ट मिलती रहती थी कि काम कैसे जा रहा है। तो एकदम से एक दिन रीना भूल जाएं शूटिंग पे और सब काफ़ी चौंक गए कि मैं आई हूँ, और काफ़ी नाराज़ थी, काफ़ी गुस्से में थी, काफ़ी परेशान थी। और शाम को रीना ने मीटिंग बुलाई सबकी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स अनिल मेहता, नकुल कामटे, आशुतोष, मैं सब पहुँचे हम लोग। और उस मीटिंग में रीना ने अचानक एक बॉम्ब हम लोग पे गिराया, इसी रफ्तार में आप लोग काम करेंगे तो मैं फिल्म यहीं बंद कर रही हूँ। एज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि ये फिल्म नहीं बन सकती। तो ये एक हफ्ता है, आप लोग मिल के सोचिए कि कैसे ये पिक्चर टाइम पे बन सकती है। आप लोग चाहे कितना भी अच्छा काम कर रहे हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको शेड्यूल के अंदर रह के काम करना है, बजट के अंदर रह के काम करना है। आखिर में मुझे जम्मू को आंसर देना पड़ेगा कि क्यों ये बजट ऊपर गया और क्यों टाइम पे शूटिंग नहीं हुई, जब हम लोग ने इतना सारा काम किया, इतना पेपर वर्क किया, इतना सोचा। तो वो लोग काफ़ी घबरा गए, आमिर भी काफ़ी चौंक गए कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मैं क्या बोलने वाली थी ये मीटिंग में। तो मैं भी सुन रहा था कि यार रीना क्या बोल रही है हमको। रीना को देख के मुझे मुस्कुराहट भी आ रही थी, टेंशन भी था, लेकिन टेंशन के साथ साथ मुझे लगा कि भाई रीना जिसको फिल्म के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, फिल्म मेकिंग के बारे में, वो अब एक साल में इतनी एक्सपीरियंस हो गई है कि वो एक ऐसी टीम को डांट रही है एक तरह से जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। मतलब मेरा ब्रीफ था कि मुझे प्रोड्यूसर बनना था ये पिक्चर में, जो कन्वेंशनल प्रोड्यूसर है, जो पैसे को बचाता है और यू नो ये सब चीज़ें करता है, जो आमिर नहीं कर सकते थे एज एन एक्टर ही, वो उनसे ये काम नहीं होता है। तो मैंने फिर रीना को समझाने की कोशिश की, भाई हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग गप्पे मार रहे हैं या काम ठीक से नहीं कर रहे, 5 बजे सुबह उठ के जा रहे हैं, हर आदमी तेज़ काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये फिल्म इतनी मुश्किल थी बनाने के लिए कि हमें हर सीन में इतने ज़्यादा लोग हैं, करीबन 300 लोग हर सीन में, आप साउंड के लिए भी आपको रुकना पड़ता है जब तक प्लेन नहीं चले जाए या और कोई जो साउंड है वो बंद नहीं हो जाए। मतलब धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा होने लगा कि भाई इससे तेज़ हम नहीं काम कर सकते, लेकिन पूरे दौरान मुझे एक बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ा रीना और अशु के बीच में। मैंने ही आमिर को सिर पे मारा काफ़ी बार, आशुतोष को भी। और रीना को मैं ये समझाता था कि भाई आशु जो है वो सही कर रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसकी क्रिएटिविटी डिस्टर्ब होगी, वो ठीक से फिल्म नहीं बना पाएगा। आशु को मैं बोलता था कि भैया अगर तुम तेज़ नहीं जाओगे तो बंद पड़ जाएगी हमारी फिल्म, लेकिन उसको मैं ये भी कॉन्फिडेंस देता था कि भाई जो तुम कर रहे हो आई एम सपोर्टिंग यू, जितना तेज़ तुमसे काम हो सके तुम करो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, और जो भी है मैं तुम्हारे साथ हूँ। आमिर हर रात मुझे एक लाइन जरूर कहता था, और वो थी कि अशु वही फिल्म बनाना जो तुम बनाना चाहते हो। एश, मेक द फिल्म द वे यू वांट टू मेक इट, दिस हैज बीन हिज गुड नाइट लाइन एवरी नाइट। Zing, kill magazine, 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 zing, kill magazine
धक्का मार दे धक्का लगा दे छक्का बचा ले हमरी आन रे भैया झूठे लगान लगान के क्रिकेट क्लाइमैक्स की शूटिंग बाकी है। 3 हफ्तों का शेड्यूल बना है। पहले दिन आशुतोष ऐसे शॉट्स लेना चाहता है जिसमें हर कोने से गांव के लोग मैदान में भागते दिखाई पड़े। इस एक दिन की शूटिंग के लिए आमिर और आशुतोष को 10,000 लोग चाहिए। मुझे लगता है कि वे पगला गए हैं। 10,000 लोग पेड़ों में नहीं लगते। हम गांव गांव जाकर लोगों को जमा करते रहे लेकिन फिल्म की शूटिंग में गांव वालों की कोई रुचि नहीं है। आमिर का मानना है कि दानाभाई जैसे कच्छ का अपना आदमी ही इस समस्या को सुलझा सकता है। तो मैंने दानाभाई को बुलाया और मैंने कहा कि देखिए मैंने प्रोडक्शन को बोला है कि 20,000 लोग चाहिए। मैं आप पे डिपेंड कर रहा हूँ, आप पे भरोसा कर रहा हूँ। ये मेरी इज्जत का सवाल है कि आपको इतने लोग इकट्ठा करने उस दिन किसी तरह करके। तो जब मैंने ये कहा उनसे तो ये फिर दानाभाई की भी इज्जत की बात हो गई। उनको भी लगा कि यार आमिर ने ये एक चीज़ रिक्वेस्ट की है मुझसे। और वो दिन रात अगले एक हफ्ता वो हर गांव में जा रहे थे, हर दिशा में वो गए और सब गांव में जाके उन्होंने कहा कि भाई आप कितने लोग भेज रहे हैं, कितने लोग भेज रहे हैं। इस दिन 10,000 गांव वालों की जरूरत थी शूटिंग के लिए। तब ज्यादा से ज्यादा शॉट हासिल करने के लिए मैंने 4 एक्स्ट्रा कैमरास मंगाए थे। एक दिन पहले हम लोग सब आए लोकेशन पर और रिहर्सल किया कि उस अगले दिन हम क्या क्या शॉट लेंगे, ताकि हर टेक्नीशियन और आर्टिस्ट को उस दिन मालूम होना चाहिए कि उसको क्या करना है। जब क्राउड होगा उस वक्त हमारे पास वक्त नहीं होगा सोचने का। जितना सोचना है पहले सोच लो। शूटिंग के एक दिन पहले सेट किसी युद्ध की छावनी जैसे लगता है। हर तरफ मीटिंग हो रही है और यूनिट के हर सदस्य के लिए चार्ट तैयार किए जा रहे हैं। दस हजार गांव वालों की शूटिंग की पहले वाली रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज वेरी एप्रिहेंसिव। मैं सोच रहा था कि क्या इतनी बड़ी भीड़ शूटिंग के लिए आएगी और क्या मैं मेरे इतने सारे शॉट्स जो हैं वो ले पाऊंगा। सच पूछे तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होगा, कैसे होगा। और फिर अल्टीमेटली 10,000 क्राउड की शूटिंग का दिन आया और हम लोग सब 4 बजे पहुंचे। 300-400 लोग 4 बजे पहुंचे क्योंकि क्राउड आने से पहले हमको वहां पहुंचना था। लेकिन क्या लोग आएंगे, मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है। मैं पैंट शर्ट ब्रिगेड को धोती कुर्ता थमा रहा हूँ। धोती के मेरे गट्ठर जैसे जैसे कम होते गए वैसे वैसे मेरा यकीन बढ़ता गया कि 10,000 लोग आ ही जाएंगे। एक दो तीन 15-20-40-60-70-100-150 ट्रक्स एक के बाद एक आ रही हैं और सब उसमें से लोग उतर रहे हैं। बहुत से लोग ये सोच के कि यार शूटिंग है तो एकदम मॉडर्न और रंग बिरंगे कपड़े और प्रिंटेड कपड़े पहन के आए अलग अलग डिज़ाइंस में। अब 100 साल पहले की कहानी है, गांव के लोग लगने चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने करीबन 4,000 धोतियाँ कुर्ते बंडी पगड़ी सब उन्होंने रखा था। घड़ियाँ उतरवाई जाती थी कि आप घड़ी उतार के आप जेब में रखिए, आप चप्पल नहीं पहन सकते, आप रबर की चप्पल पहन के घूम रहे हो, नहीं चलेगा। जिसके पास घड़ी है ये नए जूते हैं उतार के अभी अपना ट्रक में रख दीजिए। शर्ट पैंट वाले प्लीज यहाँ मेरे साथ, शर्ट पैंट वाले मेरे साथ आइए, अलग लाइन है, चलिए यहाँ आइए मेरे साथ। शर्ट पैंट, शर्ट पैंट। लोकेशन से करीबन 10 मिनट दूर उनको उतारा जा रहा था और फिर पैदल उनको लोकेशन बुला रहे थे। तो 10,000 लोगों को वहाँ तक पहुँचाने में कम से कम 9-10 बज गए, सुबह के 10 बज गए। 3 घंटा लेट हम शुरू कर रहे थे, काम ज़्यादा था, वक्त और कम हो गया। लेकिन
10,000 लोगों को नाश्ता खिलाना, कॉस्ट्यूम पहनाना, लोकेशन पे लाना, वक्त तो लगेगा। और रिहर्सल हमने क्राउड के बगैर की थी, लेकिन जब 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। एक, दो, त्रण, कम ऑन। क्योंकि हमारे पास 5 कैमरा का सेटअप था तो क्रिकेट मैदान का हर कोना कोई ना कोई कैमरा हमेशा पकड़ रहा था। तो हर आदमी यूनिट में कॉस्ट्यूम में था उस दिन, क्योंकि अगर आप कैमरे में आ भी गए तो आप कैमरे में रखना चाहिए कि आप कोई गांव वाले। यहाँ तक के जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी निकोल, वो भी शलवार और कुर्ते में थी। 10 बजे तक घोड़े और ऊंट, बग्गी और बैल, यहाँ तक कि हाथी राजसी लक्ष्मी भी तैयार हो गई। सभी ने अपनी तय जगह ले ली, मगर क्रिकेट की शूटिंग अभी शुरू होनी बाकी थी। भीड़ लगातार अशांत हो रही थी और हुल्लड़बाजी पर उतर आई। मैं परेशान था, मुझे लगा भारी भीड़ जुटाने की हमारी कड़ी मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी आमिर ने एंट्री ली। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ आए आज हमारी शूटिंग के लिए। कोई भी सीन पर्दे पर अच्छा लगने के लिए क्राउड का रिएक्शन बहुत अहम, बहुत ज़रूरी होता है। जितना अच्छा आपका काम होगा उतना अच्छा हमारा सीन, हमारा क्लाइमैक्स आएगा, और ये आप सबकी मदद से ही हो सकता है। इसलिए आज आप सबकी मदद चाहिए हमें। Okay, here we go. And roll cameras. पांचों कैमरास रोल होने लग गए और धीरे धीरे हमें वो सब रिस्पॉन्सेज, वो सब रिएक्शंस हमें मिलने लगे जिसके लिए हमने इतनी बड़ी तैयारी की थी। काफी सारे गांव वाले, उनमें खलबली मची थी बस शूटिंग देखने के लिए। काफ़ी लोगों का रिएक्शन इसलिए था कि वो एक क्रिकेट मैच भी देख रहे थे। फिर हमने आमिर से आती का खंडाला गवाया, वो सुन के तो सारे गांव वाले पागल हो गए। और वो जो रिएक्शन उनकी मिली है वो हमने क्लाइमैक्स में उसका इस्तेमाल किया है, इस तरह जैसे हम लोग क्रिकेट को रिएक्ट कर रहे हैं। तो हर तरकीब का इस्तेमाल करके उस दिन हमने शूटिंग पूरी की, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, मुझे दोबारा 10,000 गांव वाले नहीं मिलने वाले। लंच के 10,000 पैकेट्स लेकर ट्रक ठीक 1:30 बजे आ गए। हमारी भूखी सेना को अब खाना मिलेगा। 20,000 हाथों में खाने के पैकेट्स बांटना टेढ़ी खीर था। शूटिंग के दौरान सारे डिपार्टमेंट्स में इतनी सारी तालमेल और सूझबूझ थी, मुझे लगा मानो हम किसी युद्ध में हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट एक बटालियन से कम नहीं था। और जहां तक 10,000 गांव वालों का सवाल है, उनके साथ निपटना तो किसी युद्ध से कम नहीं है। Yeah!
फिल्म के अंदर ये विलन टीम का रोल कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ये हमारे दोस्त हैं। अब हम फिल्म का आखिरी शॉट लेने जा रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी शॉट है हमारे लिए। जब एक्शन कहेंगे आप सब दौड़ के पिच पर आएंगे, जिस तरह ये लोग दिखा रहे हैं, और बीच में आके नाचेंगे, लेकिन ध्यान रहे किसी को चोट ना लगे। एक्शन। वो मेरे लाइफ में सबसे अच्छा दिन था कि मैं मेरे रेज्यूमे में, अब मैं मेरे यूनियन अमेरिका जाके वो कॉल शीट दिखाने वाला हूँ कि मैंने 10,000 जनों को एक साथ एक दिन में मोटिवेट किया करने के लिए, और जैसा किया वैसा हुआ। मैं नहीं मान सकता था कि ऐसा हो सकता है, सीरियसली। Yeah, I'll remember that for a long time. मुझे हमेशा याद रहेगा, इतने सारे लोग। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन का सफर मुझे यहाँ तक ले आया, तो मैं अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करता हूँ। हमें मान ही लेना चाहिए कि हम इस तरह का काम ठीक से कर ही नहीं सकते, हमारे बस में ही नहीं है। मतलब अपनी तरफ से तो हमारी तैयारी पक्की थी, पर फिर भी हम उस लेवल पे हैं नहीं। एक तो हमारी क्राउड्स काबू से बाहर हो जाती हैं, दूसरा हम ये काम अक्सर नहीं करते, जिससे हमें इसकी आदत सी हो जाए। मेरे लिए कोई बहुत बड़ा दिन नहीं था। और अल्टीमेटली जब दिन ख़त्म हुआ तो रिलीफ भी था कि यार चलो हो गया, लेकिन एक माइंड में टेंशन भी था कि यार जो हम लोग जितने शॉट्स चाहिए थे वो सब हमको मिले नहीं। तो मेरे हिसाब से आधी खुशी और आधा डिससेटिस्फैक्शन था कि भाई अच्छे शॉट्स मिले भी हैं, लेकिन जितने शॉट्स चाहिए थे सब नहीं मिले। उस दिन शाम को जब शूटिंग पैकअप हुई, तब मैं थका जरूर था लेकिन बहुत खुश था। और यूनिट में तो एक अजीब किस्म की खुशी दौड़ रही थी, जैसे कि मानो आज आखिरी दिन था शूटिंग का। मैं बेहद खुश हूं, मुझे लगता है मानो हमने हिमालय की चढ़ाई पूरी कर ली, अब सिर्फ उतरना बाकी है। आगे है पूरे क्रिकेट क्लाइमैक्स को शूट करने का 3 हफ्तों का शेड्यूल, जिसके लिए रोज केवल 2-3 हजार गांव वालों की जरूरत होगी। 10,000 के दिन की शूटिंग खत्म हुई तो हमने 2 दिन का ब्रेक लिया, और उसकी वजह यह थी कि मैंने आशु को कहा कि आशु, इससे पहले कि हम क्लाइमैक्स की शूटिंग करें, क्रिकेट की शूटिंग शूट करें, जितने शॉट्स आपको लेने हैं एज ए डायरेक्टर ऑफ द क्रिकेट मैच, आप वो पेपर पे लिखिए क्या शॉट्स हैं। वो जब तक आप मेंटली क्लियर नहीं हो जाएंगे, हम लोग काम हमारा ठीक से नहीं जाएगा। और उस डिस्कशन में हमने एक बहुत ही अहम फैसला किया, और वो था कि स्क्रिप्ट के मुताबिक हमारी मैच जो थी वो 2 इनिंग्स की क्रिकेट मैच थी, और हमने वो 2 इनिंग्स को 1 इनिंग कर दिया। ये जो फैसला था, मुझे लगता है आर या पार फैसला था। और आप सोचिए कि ये फैसला हम क्रिकेट की शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 1 दिन पहले ले रहे थे। क्रिकेट मैच की शूटिंग के लिए जब मैंने शॉट ब्रेकडाउन किया तो 1200 शॉट्स निकले, और इन 1200 शॉट्स को डिवाइड करने के लिए मैंने क्रिकेट फील्ड को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया, ताकि ये पता लग सके कि कौन से एंगल में कितने शॉट्स लेने वाले हैं। और अगर मुझे सही तरीके से एक्टर्स को और टेक्नीशियंस को ये अगर बताना था, तो जरूरत थी एक चार्ट की। बस फिर मैं बनाते गया चार्ट पे चार्ट पे चार्ट, और फिर हमने क्रिकेट की शूटिंग शुरू की। लेकिन जैसे जैसे शूटिंग शुरू हुई हमारी क्रिकेट की, तो हमें एहसास होने लगा कि भाई ये क्रिकेट का खेल जो शूट करना है वो कोई खेल नहीं है, और ये बहुत बड़ा पंगा लिया हम लोगों ने। अब स्क्रिप्ट के मुताबिक अर्जुन बैटिंग करने आता है और तुरंत 2 चौके मारता है। एंड रोल सॉन्ग प्लीज। मार्क,
And action. Cut it. मैं इस फिल्म में इंडियन टीम में चंपानेर 11 में आई एम द बेस्ट बैट्समैन. और मुझे एबीसी तक पता नहीं है. संजय सुन जाके बोल यार, एक बॉल तो करे यार. सवाल ही नहीं उठता कि वो बॉल को मार सके, सवाल ही नहीं उठता. अब वो हमारे बैट्समैन हैं लेकिन वो एक्चुअली उनको बैटिंग नहीं आती. अब किस तरह दिखाएं कि भाई वो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली आशुतोष को कैमरा क्लोजअप रख के फेस पे रख के शॉट लेने पड़े. वो कैसी बल्ला घुमा रहे हैं. जब मैंने भुवन के टीम की कास्टिंग की थी तब मैंने ऐसे एक्टर्स लिए थे जो क्रिकेट के बारे में बहुत कम जानते थे, और अब यही बात मुझे टेंशन देने लग गई थी. फिरंगी तो टेक्स पे टेक्स हम किए जा रहे हैं जिसमें कोई एक्टर बॉल को सही ढंग से मारने के लिए 20 टेक ले रहा है, कोई और एक्टर बॉलिंग के लिए ठीक से जिस तरह से हम लाइन ऑन लेंथ चाह रहे हैं वो नहीं डाल पा रहा है, उसके 20 टेक्स हो रहे हैं, और किसी और की फील्डिंग की प्रॉब्लम है. सारे अंग्रेज एक्टर्स का कास्टिंग मैंने उनके क्रिकेट खेलने के बलबूते पर किया था. सिवाय एक एक्टर के जिसके सबसे ज्यादा शॉट्स थे, और वो था कैप्टन रसल. क्रिकेट के बारे में पता है, मैच वगैरह भी देखता हूँ, पर खेला नहीं स्कूल के बाद कभी. अगर छह गेंद मुझे खिलाओ तो उसमें से शायद दो मार दूं, पता नहीं. तो स्टार बल्लेबाज कैप्टन रसल बनना मेरे लिए तो टॉर्चर था. मेरी जो हालत हुई सो हुई, पर जो दूसरे लोग हैं उन पे तो तरस आ रहा था मुझे. वो तो सब कर रहे थे प्लीज प्लीज. क्रिकेट शूट शेड्यूल से पिछड़ता जा रहा है. प्री प्रोडक्शन मिलाकर मैंने भुज में 6 महीने बिता दिए हैं, और अब लगता है कि मैं यहीं फंस गया हूँ. ज़्यादातर भारतीय एक्टर्स क्रिकेट का क ख ग भी नहीं जानते. शुरू में मुझे उनके उठपटांग खेलने पर हंसी आती थी, अब सहा नहीं जाता. लेकिन मेरी उम्मीद कायम है. ब्रिटिश टीम में क्रिकेटर भरे पड़े हैं, और आमिर भी काफ़ी अच्छा खेलता है. देखते हैं. From where we were staying at 5:30 in the morning, starlight. So, सुबह 5:30 बजे निकलना. उस समय आकाश में चांद और तारे दिखते. यहाँ सूरज निकलते ही पहुँचना. इतना अद्भुत सूर्योदय. आकर इंडियन ब्रेकफास्ट करना. ऐसा ब्रेकफास्ट मैंने पहले कभी नहीं चखा.
आगे चलो तो अचानक रेगिस्तान के बीचों बीच एक ब्रिटिश क्रिकेट पवेलियन और क्रिकेट पिच। वाकई आश्चर्यजनक। क्रिकेट मैच देखते हुए मजा आए इसके लिए उसमें भरपूर ड्रामा होना चाहिए। आपको दिलचस्प तस्वीर बनानी होगी और वह सिर्फ एक्टिंग से नहीं बनेगी, उसके लिए क्रिकेट खेलना ही पड़ेगा। yes! कभी कभी एक्टिंग करते समय एक जुनून पैदा होता है और आप अपने आप को भूल जाते हैं, फिर वह एक्टिंग नहीं रह जाती, सब कुछ वास्तविक हो जाता है। स्क्रिप्ट के मुताबिक जब भुवन अपनी पहली ओवर में गेंद डालता है, स्मिथ रन लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन भुरा उसे फील्ड करके बॉल वापस फेंकता है। स्मिथ ये देखकर वापस क्रीज की तरफ दौड़ता है और उसे क्रीज में पहुंचने के लिए एक डाइव लेनी थी। उन्होंने वो डाइव ली, लेकिन ही डिसलोकेटेड शोल्डर, उनका कंधा उतर गया। हम लोग को एक्टिंग करना था कि हम लोग खुद बहुत खुश हो गए हैं और पहला विकेट जो है हमको मिल गया है। मैंने नोटिस किया नज़र से कि यार वो बेन जो है वो अभी तक उठ नहीं रहा है, वो काफ़ी तड़प रहा है, तो मैंने सोचा यार बड़ी एक्टिंग कर रहा है वो। मैं जीतोड़ कोशिश कर रहा था कि क्रीज के अंदर बैट पहुंचा दूं, इसलिए मेरा कंधा उतर गया। सब उछल रहे थे, शोर मचा रहे थे और मैं कर रहा था आ आ, मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा था, सबको लगा मैं एक्टिंग कर रहा हूं। भीड़ तो पागल हो रही थी, सारे एक्टर्स पागल हो रहे थे खुशी के मारे, मैं भी पागल हो रहा था लेकिन दर्द से। लेकिन मेरे एक्टर वाला दिमाग भी काम कर रहा था, मुझे पता था कि कट नहीं हुआ है, कट नहीं हुआ है, फ्रेम से बाहर जाना ही होगा वरना शॉट शॉट बेकार हो जाएगा। और आखिर में उन्होंने कहा कट। मैं चिल्लाया, बैट फेंक दिया और गिर पड़ा। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे होंठ नीले पड़ गए। याडली की एक गेंद पे भुवन का कान घायल होता है, तो जो गेंद फेंक रहा है उसको उसका एम बहुत करेक्ट होना चाहिए कि वो झाला के मैं हिल रहा हूं लेकिन वो जाके कान पे लगे। बॉल कभी नाक पे लगती थी, कभी सर पे लगती थी, कभी गले पे लगती थी, कभी टोटली मिस हो जाती थी, तो इस चक्कर में काफी मार खानी पड़ी मुझे। मुझे लगता है कि कई लोग अपना गुस्सा निकाल देते मुझ पे इस चक्कर में। काफी गेंद लगी भी, अगले दिन कान सूज गया था मेरा। टेक के बाद टेक लो तब क्रिकेट का एक सही शॉट मिल पाता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्टर क्रिकेट खेलना जानता है या नहीं।
क्रिकेट की शूटिंग के लिए तय 3 हफ्तों का टाइम बीत चुका है, लेकिन अभी आधी शूटिंग भी नहीं हो पाई है। शेड्यूल बुरी तरह बिगड़ गया है, सभी का उत्साह ठंडा पड़ रहा है और एक दूसरे का हौसला बनाए रखने के लिए वे अजीबोगरीब तरकीबें खोज रहे हैं। कौन सबसे पहले कॉस्ट्यूम्स पहनेगा, ये मुकाबला देखने को सभी उत्सुक हैं। फिल्म के अंदर एक डायलॉग था, एक माँ से पूछता हूँ कि माँ ये बीड़ा उठा के मैंने कोनो गलती तो नहीं की। माँ ये बीड़ा उठाकर मैंने कोनो गलती तो नहीं की, तो उस दौरान मैंने कई दफा आशुतोष से पूछा है कि आशु ही बीड़ा उठा के हमने कोनो गलती तो नहीं की। धूप इतनी थी, एक्टर्स जो है वो बॉलिंग कर करके थक गए, बैटिंग कर करके थक गए, भाग रहे हैं बॉल के पीछे, फील्डिंग कर करके थक गए। गर्मी बढ़ती जा रही थी, जमीन से जैसे शोले निकल रहे थे और हम में से कई एक्टर तो नंगे पैर थे। धूप धूप और हम सबके रंग, ये तो अभी मैं गेटअप में हूँ, वरना ये जो मूंछ की जगह है वहाँ पूरा सफेद हो चुका है, एक सफेद मूंछ परमानेंट बन चुकी है, वो पता नहीं कब जाएगी। धूप में खड़ा रखा है, बहुत गर्मी अंदर अंदर घुस गई है, धूल भी अंदर घुसी है। लंबा लगता था यार ये कभी खत्म हो, कब घर जाएं। ये सर्दियों में भी शूटिंग कर सकते थे, ला के यहाँ पटक दिए उन्होंने, वो तो छाया में बैठे रहते, हमें धूप में दौड़ाते रहते। शूटिंग द क्रिकेट सीक्वेंस, क्रिकेट की शूटिंग करना हम सबके लिए बहुत मुश्किल था। आप सोचो उस भीषण गर्मी में ये 11 अंग्रेज खड़े हैं रेगिस्तान के बीचों बीच, चिल्ला रहे हैं वाटर पानी पानी। मेरे ख्याल से ये सभी के लिए परीक्षा की घड़ी थी। ब्रिटिश एक्टर्स जो थे वो इंडिया पहली बार आ रहे थे तो बीमार पड़ने लगे, तो कभी उनको सेरिन की जरूरत पड़ती थी तो कभी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती थी, और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ मुझे बुलाया जाता था तो मैं डबल ड्यूटी करती थी। हमारे जो इंडियन एक्टर्स थे वो एक पवेलियन में बैठा करते थे, मिट्टी में बनी थी, तो आप समझिए यहाँ 47-48 डिग्रीज की हीट, जहाँ देखो धूल, तो धूल यहाँ मिट्टी वहाँ, आँख में धूल जा रही है, मिट्टी आँख में जा रही है, ठंडा पानी नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तेल में लिपटी चिपचिप काया, हरदम धूल धूप का साया, बंद बोलती कर दी भाया, अब खेलो न हंसो न बोलो, खड़े धूप में दे दो प्राण, नहीं तो लगे लगान। पहले माँ के लाल थे, अब हम श्याम लाल से हो गए, पहले रंग था धूली दाल, अब माँ की दाल से हो गए, देख के शीशा निकले प्राण, कि भैया कैसी लगान। There were times when we all just felt के कई बार तो हमें लगा कि ये खत्म ही नहीं होगा, ये मेरा क्रिकेट मैच कभी खत्म ही नहीं होगा, बस चला जा रहा है, चला जा रहा है। एक ही लोकेशन पर हम सब बैठे हैं कड़ी धूप में और काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
आधा रास्ता हो चुका था हमारा, लोग थक गए थे, मेंटली थक गए, इमोशनली थक गए, फिजिकली थक गए सब। हर आदमी को अपने घर की याद आ रही थी, अपने बच्चों बीवी बच्चों की याद आ रही थी अपने। तब तो बहुत डर लगने लगा क्योंकि पहली बार आपने शूटिंग की सारी जिम्मेदारी ली, इंतजाम किया, सब कुछ ठीक ठाक चला, सब लोग भी आ गए, शूटिंग भी बढ़िया हो गई, मगर शेड्यूल गड़बड़ा गया। मेरा कहना था कि बजट बढ़ता जा रहा है, शेड्यूल से बहुत पीछे हैं हम, आप लोग कर क्या रहे हो? जब फिल्म की प्लानिंग चल रही थी तो 12 करोड़ का बजट था, शूटिंग के जब नजदीक आए हम लोग तो वो 14 करोड़ हो गया। शूटिंग के एक हफ्ते के अंदर हमको पता लगा कि नहीं, हम लोग ओवर शेड्यूल जा रहे हैं और ये 14 करोड़ भी नहीं होगा, 16 करोड़ होगा। और फिर जब हम लोग क्रिकेट में आए तो रीना ने कहा कि भाई अभी 20 करोड़ के ऊपर जाने वाला है, कितना ऊपर जाएगा मुझे नहीं मालूम, और मैं अभी गिनती नहीं लगाने वाली हूँ कि कितनी कॉस्ट आने वाली है। हमने कहा छोड़ो, ये शेड्यूल पर होगा ही नहीं, किसी तरह से हम इसे शेड्यूल पर ला ही नहीं सकते। तो कई लोगों ने ये भी सजेशन दिया कि क्यों हम ऐसा क्यों ना करें कि 11 मई को हम लोग अपना शेड्यूल ख़त्म करें और फिर जो एक डेढ़ महीने की शूटिंग रह जाएगी वो हम लोग बाद में बारिश के बाद आके करें। मैं बहुत अगेंस्ट था इस चीज़ के क्योंकि मुझे लगा कि एक दफ़ा हम लोग ने ये शेड्यूल तोड़ दिया तो शायद हम लोग फिर इकट्ठा ना हो पाएंगे, कुछ भी करके हमें एक शेड्यूल में ये फिल्म ख़त्म करनी ही करनी है। प्रिय स्वाति, अब यह तय है, मैं नहीं आ रहा हूं और हम हमेशा के लिए यही रहेंगे। सच कह रहा हूं स्वाति, सॉरी, मगर यकीन करो हमारी हालत फिर भी बेहतर है। गोली की प्रेग्नेंट बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई, नकुल की पत्नी अस्पताल में है, उसे लंग इन्फेक्शन हो गया है, राजू भाई के दामाद को किसी ने चाकू मार दिया, लेकिन वे सब रुके हैं। यहाँ के माहौल का क्या जिक्र करूं, हमें क्रिकेट से नफरत हो गई, लगान से नफरत हो गई, बहुत हो गया, लेकिन युद्ध जीते बगैर हम यहां से नहीं लौट सकते। समझ में नहीं आ रहा है ना, सब पागलपन है। जो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। लाखा प्रायश्चित करने के लिए एक कैच लेता है और उसके लिए मैं चाह रहा था कि कैमरे के फील्ड में लाखा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आए और हवे में गेंद पकड़े गिरने से पहले। सीधा टेक करें। और लाखा गिरता रहा, चोट खाता रहा। कभी कभी यूनिट का हौसला बढ़ाने के लिए अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक दिन माहौल को हल्का करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया। मैंने एक पानी का पाइप लिया और सबको भिगोना शुरू कर दिया और फिर मैंने उन सबको याद दिलाया कि आज होली है। आपको रोजमर्रा की जिंदगी से निकालकर बिल्कुल अलग दुनिया में छोड़ दिया जाता है, यह एकदम अनूठा एहसास है। और जब आप वहां से लौटते हैं तो एक नई समझ के साथ आपको एहसास होता है कि दुनिया में और क्या क्या है और आपका वजूद क्या है। पिछली बार जब मैं घर लौटी
मुझे लगा कि इंग्लैंड कितना कितना बोझिल है, फीका है, बेरंग है। मैंने तो सोचा था कि जो बुरा होना था हो गया, लेकिन नहीं। सुबह सुबह आशुतोष की पीठ में जोर का दर्द हुआ। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास भागा। डॉक्टर ने स्लिप डिस्क बताया है। इस बीच सेट पे काम ठप है। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर ने कहा कि आशु एक महीना शूटिंग नहीं कर सकते हैं, उनके बगैर शूटिंग हो नहीं सकती है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेंट शूटिंग थी हमारी ये, जिसके लिए अगर हम लोग एक महीना रुकते हैं तो बहुत मतलब हमारी पीठ टूट जाती शूटिंग में। तो आशु ने कहा कि नहीं शूटिंग रुक नहीं सकती। मैंने भी आयश को कहा आयश यू नो हाउ यू गोइंग टू शूट स्लिप डिस्क, इसमें इतनी तकलीफ होती है पीठ में कि आप हल्की भी मूवमेंट होती है बॉडी की तो पीठ में बहुत तेज दर्द होता है। तो आशु ने कहा कि नहीं मैं शूटिंग पे आऊँगा लेकिन आप लोग मेरे लिए एक बिस्तर का इंतज़ाम करिए तो मैं लेट के शूटिंग करूँगा। मेरे ख्याल से बेहद हिम्मत दिखाई आशु ने, अगर वो ये हिम्मत से काम नहीं लेते तो बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं हम। दिनों दिन आशुतोष ने भीषण दर्द का सामना किया पर वह बहादुरी से डटा रहा और अब क्रिकेट के शॉट्स काफी कम हो गए हैं। स्वाति, जीवन मुश्किल जरूर है मगर खूबसूरत भी। इन बाधाओं का सामना करने से हमारे अंदर एक अनोखी टीम स्पिरिट आ गई है। सहजानन टास्क के हमारे कैंप में ऐसा लगता है मानो फ्लैटों में दरवाजे ही न हो, और रहमान और जावेद अख्तर जब भुज आते हैं तब लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। होटल में जब हम लोग रहते तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता, पर चूंकि ये अलग अलग फ्लैट में बटे हैं और ये सारे एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक लोग हम लोग बड़े आराम से एक दूसरे के कमरे में घुसे तो क्या कर रहा है, कुछ हो रहा है क्या वगैरह वगैरह। जो ब्रिटिश प्लेयर्स थे उन्होंने कहा कि भाई देखिए फिल्म के अंदर तो हम हारते हैं लेकिन वैसे तो हम खुद क्रिकेटर हैं और एक मैच हमको आपके साथ खेलना है। जो शूटिंग का मैच नहीं होगा, वो प्रॉपर मैच होगा जिसमें हम आपको हराना चाहेंगे। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जी हाँ, सचमुच का मैच, फिल्म का नहीं। हालांकि रोज हम क्रिकेट खेलने आते थे शूटिंग के लिए तो एकदम सब लोग तंग हो गए थे यार, अभी रोज शूटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट की शूटिंग कर रहे हैं। और उसी दौरान हमने मैच भी रखा, मतलब जिस दिन छुट्टी थी और हम लोगों को घर पे जाके सोना चाहिए था उस दिन हम लोग फिर आए क्रिकेट ग्राउंड पे मैच खेलने के लिए। और हम जीत गए, हरा दिया उन्हें, बहुत मजा आया। एक्सेलेंट कैच देयर बाय जॉन, इंग्लिश 11 आउटप्लेइंग द इंडियन 11। ब्रिटिश की टीम ने अल्टीमेटली हम लोग को हराया तो बड़े खुश हुए वो लोग कि यार
फिल्म में तो हम लोग हार रहे हैं, लेकिन चलो रियल मैच में हम लोग जीत गए, तो हम लोग भी खुश हुए कि चलो भाई ज़रा खुश हो रहे हैं ये लोग, हमारे मेहमान आए हैं इंग्लैंड से, जीतने दो इन लोग को भी। क्रिकेट मैच में एक दिन चिल्लाने से मेरे गले में दर्द और खराश हो गई है। मैं गांव के लोगों की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। हमारे इशारों पर उन्होंने तालियां बजाई, वाहवाही की और शोर मचाया। रेगिस्तान की असहनीय गर्मी में भी उन्होंने उफ तक नहीं की। कच्छ के जो लोग हैं इतने सुंदर, इतने स्वाभिमानी। ये जो हमारी एडी डिपार्टमेंट थी उसमें एक लड़का था और तीन लड़कियां, और भीड़ में हमें भागना पड़ता था, लोगों से काम कराना पड़ता था, मगर कभी किसी ने हमारे साथ छेड़खानी नहीं की, तंग नहीं किया, कुछ नहीं। आते थे सुबह करीब 7-8 बजे, सारा दिन बैठो धूप में, करीब 11-12 बजे ब्रेक होता था तो लंच खाओ, वापस आ जा, बैठो फिर से 7-8 बजे तक, और सारे परिवार आते थे, बच्चे कच्चे, भाई बहन सब के सब, जैसे कि उनकी जिंदगी जो गांव में बिताते थे वो अब सेट में बिता रहे हैं। वो हमारे लड़के छोटा छोटा है, मेरी भी लड़की एक इधर आती है, मेरा पापा भी आता है, सब इधर आते हैं शूटिंग। हालांकि शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा अभी बाकी है, लेकिन क्रिकेट क्लाइमैक्स आखिरकार पूरा हो गया। स्वाति, हम जीत गए। लगान के गांव वालों की तरह हम जीत गए। मिलकर जीते हैं हम, ब्रिटिश एक्टर, मुंबई से आई यूनिट, भुज के एक्टर और गांव के लोग। चार अलग अलग संस्कृतियां मगर एक ही टीम, और उस टीम का एक ही सपना। तुम्हें बता नहीं सकता कि इसका हिस्सा बनकर मैं कितना गर्व महसूस कर रहा हूं। यहां के माहौल में इतनी खुशी और उत्साह है कि किसी को एहसास ही नहीं कि घर लौटने में अभी बहुत देर है। शूटिंग का लोकेशन भुज के रेगिस्तान से शिफ्ट होकर मांडवी आ गया है। इससे सभी को राहत मिली। ऐसा लग रहा है कि सभी युद्ध के मोर्चे से लौटे हैं। बीते तीव्र अनुभव बार बार आंखों के सामने आते हैं। Invariably, shoots bring together people from... शूटिंग में हमेशा ही अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग पेशों के लोग इकट्ठे होते हैं, और क्योंकि फिल्म में सब समर्पण के साथ काम करते हैं, लोग बहुत करीब आ जाते हैं, संस्कृतियां मिलती हैं, लोग मिलते हैं, और 6 महीने के लिए एक जगह में रहना, लोगों के अंदर की जो अच्छाइयां बुराइयां हैं बहुत करीब से दिख जाती थी। बहुत तकलीफ होती है कभी कभी, आपसी संबंधों में कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उन सभी से जूझना होता है, निपटना होता है। लोगों को तो एंड रिजल्ट दिखता है जो काफी ग्लैमरस लगता है, पिक्चर बन गई है, मगर उसको बनाने का जो प्रोसेस है उसमें बहुत तकलीफ होती है, एक तरह का टॉर्चर ही समझिए। एक फिल्म बन रही है, प्रति सेकंड 24 फ्रेम की रफ्तार से सेल्यूलॉइड पर तस्वीरें जोड़ी जा रही है। स्वाति, कितनी अजीब बात है, अस्थाई और अलग अलग फ्रेम जुड़कर फिल्म बन जाते हैं, सच का भ्रम पैदा करते हैं। अस्थायित्व और भ्रम,
सिनेमा में जीवन की शायद यही सच्चाई है। पता नहीं कि क्या होता है, ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है कि आप कुछ लोगों के साथ कुछ दिन बिताओगे, एंजॉय भी करोगे, फिर सब जुदा हो जाएंगे। हर नए प्रोजेक्ट के साथ हम बंजारों की तरह सामान लपेटते हैं और निकल लेते हैं। हजारों नए लोगों से मुलाकात होती है, और अगर विदेश में शूटिंग हो तो उन लोगों से शायद दोबारा कभी ना मिलें। इससे निपटने के लिए अलग किस्म की मानसिकता चाहिए। हम सारे लोग जो हैं वो बेसिकली मिसफिट्स हैं। हम वो लोग हैं जो 9 से 5 नौकरी नहीं कर सकते। हम वो लोग हैं जो एक किस्म के ज़िंदगी के साथ, जो एक नियमित ज़िंदगी है जो हमारे शास्त्रों में सिखाई जाती है, वो कभी जी ही नहीं पाएंगे। हम सब थोड़े थोड़े पागल हैं। कोई पूछे तो मैं बोलूं क्या कि मुझको हुआ है क्या। मेरे अंग अंग में है सुगंध जो तूने है छू। फिल्म फिल्मों में जिंदगी आसान नहीं है। पता नहीं लोग कैसे करते हैं, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से जो लोग फिल्मों में काम करते हैं उनकी निजी जिंदगियां काफी बर्बाद हो जाती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि आपके संबंधों का कोई पैटर्न बन सके। ये हर वक्त दिन रात सुबह शाम जिसमें एक दूसरे से क्या चाहते हैं आपको पता हो, हालात हमेशा बदलते रहते हैं। ऐसे में कोई संतुलन बना पाना ज्यादा मुश्किल है। 1, 2, 3, 4। इंडिया आने से पहले इंग्लैंड में मेरा एक बॉयफ्रेंड था। हमारे रिश्ते में तनाव तो था, यहाँ आकर मैंने उसे बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं हंस रही हूँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन सच है, दूरी से दृष्टिकोण बदल जाता है। काफी दबाव पड़ा मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप पर, और इसका क्या परिणाम होगा कह नहीं सकता। कितनी अस्थाई होती है जिंदगी, लेकिन अजीब बात है कि इतना बड़ा यूनिट, एक पूरे परिवार जैसा यूनिट कैसे एक दूसरे के इतना करीब आ जाता है। आप 24 घंटे एक दूसरे की बगल में रहते हो, फिर सब कुछ बेहद खुशनुमा और अच्छा लगने लगता है। कहीं अफवाहें उड़ रही हैं, कहीं स्कैंडल, कहीं कानाफूसी चल रही है, हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। और फिर अचानक परसों में जा रहा हूं, गायब। देखो, निराशा में भी आशा छिपी है। फिल्में लोगों को जोड़ भी सकती है। जिमी और कैटकिन चंपानेर में शादी कर रहे हैं। क्या तुम यकीन कर सकोगी कि सेट मंदिर बन गया है? ले जाएंगे दिलवाले, दुल्हनिया ले। हम सब शुरू से जानते थे कि जेमी और कैटकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे एक दिन बताया कि शूटिंग कंप्लीट होने के बाद हम पुष्कर में जाके हम शादी भी करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तानी तौर तरीके से हमको शादी करनी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, अगर आपको हिंदुस्तानी कस्टम्स के मुताबिक शादी करनी है, हमारे और तरीके से शादी करनी है, तो फिर आप अकेले जाके शादी कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हिंदुस्तानी शादी में तो बारात होती है, बाराती होते हैं, लड़के वाले, लड़की वाले। आपको तो हमारे साथ यहाँ रहकर शादी करना चाहिए, और हमारे गांव में जो हमने मंदिर बनाया उसमें आप शादी करिए। तो रीना और मैंने कैटकिन का कन्यादान किया, और I'm
मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लेकिन आध्यात्मिक जरूर हूँ। मुझे भगवान में विश्वास है। मैं ये नहीं मानती कि बहुत से भगवान हैं, भगवान एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, बुद्ध या किसी और मजहब का। हम सब एक ही भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए मैं मानती हूँ उस मंदिर में भगवान था, चाहे वो जो भी हो, भगवान था। सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महारुणी। लोग एक साथ चल रहे हैं, केवल सेट पर ही नहीं, बाहर सड़क पर भी। मीलों दूर से हजारों श्रद्धालु पैदल जा रहे हैं फकीर हाजी पीर की मजार पर। हाजी पीर सलाम है इसकी, लड़के की सलाम है, लड़का मिला पैदल जाने, दो दिन तीन दिन जो चलने में। हम हिंदू मुस्लिम सब एक समझते हैं, सब दाहे तो जा रहे, इसमें क्या बोलना है अभी। चलो जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती। कितनी अजीब बात है, सिनेमा और जीवन एक दूसरे का दर्पण बन गए हैं। निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। कंपनी मूव। ये जून तक हम पहुंच गए थे, उस वक्त तब से पीक तक पहुंच गई थी गर्मी, लेकिन अल्टीमेटली हम लोगों को शूटिंग का जो एंड है वो नज़दीक नज़र आ रहा था कि भाई अब जो है जो इतना बड़ा बीड़ा उठाया था हमने, वो उसका अभी अंत जो है हमारे सामने हमको नज़र आ रहा है, और उसकी भी एक खुशी थी। बहुत अलग रहा, मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस से ज़्यादा जो प्रोसेस रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है मेरे लिए, एज ए पर्सन, एज एन एक्टर से ज्यादा मैं एज ए पर्सन शायद यहाँ आके सीखा हूँ। मेरे लिए सबसे यादगार है वो बेहतरीन रोशनी, वो खूबसूरत रंग, मन में वो तपते सूरज की तस्वीर, खासकर रंग बिरंगी साड़ियों में लिपटी सुंदर औरतें, उनके मुस्कुराते चेहरे, चमचमाते उनके सफेद दांत। जुनून तो था ही, सबको जुनून था, तो सबने जुनून से ही काम किया, मतलब और कोई रास्ता ही नहीं था। प्रिय स्वाति, शूटिंग का अब केवल एक दिन बचा है, मैं घर लौटने के लिए बेताब हूं, लेकिन सच कहूं तो गांव छोड़ने की बात सोचकर ही तकलीफ होती है। इसी गांव में हम सब मिले हैं, साथ हंसे हैं, साथ रोए हैं,
मैंने तो ये गांव बनते देखा, अब इसे उजाड़ा जाएगा बर्दाश्त ही नहीं होता। सबके मन में शायद यही बात है, हम सारे लोगों ने पिछली रात चंपानेर में बिताई है। एक्चुअली टेक्निकली यू कैन से दैट द लास्ट शॉट वॉज व्हेन आशुतोष ने डिसाइड किया कि कैमरा ऑन करके हम पूरे यूनिट को इकट्ठा करेंगे। फिल्म में नहीं है वो, बट कैमरा वॉज रोल्ड फॉर द लास्ट टाइम फॉर दैट शॉट। I just couldn't believe it when it was finally over also. It was unbelievable. Guys, 1 minute. That's a wrap. खुशी भी थी, गम भी था। खुशी ये थी कि हम लोगों ने जो शेड्यूल था वो पूरा कर लिया, काम हमारा पूरा हो गया। गम इस बात का था कि 6 महीना हम लोग एक साथ रहे हैं, ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। गम इस बात का भी था कि वहाँ 6 महीना रहकर जो हमारी एक अलग दुनिया बन गई थी, एक अपनी अलग मैजिकल दुनिया थी चंपानेर में, इमेजिनरी वर्ल्ड था हमारा जो 6 महीने हमने जिया, वो ख़त्म हो रहा था। दैट चैप्टर वॉज गेटिंग ओवर। इतना यादगार जितना कि मेरे बच्चों का जन्म। As memorable as the birth of my kids. As memorable as. That's a trick one. एकदम दंग रह गए ये सुन के कि भुज में भूकंप आया। घंटों फोन लगाने की कोशिश की लेकिन सारी फोन लाइंस डेड थी। फिर एहसास हुआ कि भुज कांटेक्ट करने का कोई रास्ता ही नहीं है। उस वक्त हम फिल्म की एडिटिंग कर रहे थे, एक एक चेहरा सामने नजर आ रहा था, ये सोच करके इनमें कौन जिंदा है, कौन किस हाल में है, और हम उनकी मदद भी नहीं कर पा रहे हैं, उन तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। सब एक भयानक सपना लग रहा था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टॉप एडिटिंग बिकॉज वी कुडंट टेक इट एनीमोर। बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, हमने एडिटिंग बंद कर दी। और फिर शायद 3 या 4 दिनों के बाद भुज का एयरपोर्ट खुल गया और राव साहब के साथ मैं सुरक्षित भुज पहुंच गया। हम लोग शहर में गए। भुज पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मलबे में दबकर 2 लगानियों की मौत हो गई।
सबसे बुरी हालत तो उस जगह की है जहां हम महीनों साथ रहे, सहजानन टावर्स। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। शूटिंग के दौरान मैंने उनसे वादा किया था कि जब फिल्म तैयार हो जाएगी तो इससे पहले कि फिल्म रिलीज हो और हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई भी देखे, मैं भुज वापस आकर सबसे पहले उनको फिल्म दिखाऊंगा। मैं एक उलझन में पड़ गया था क्योंकि ये पहली बार मैं भुज वापस जा रहा था इतने बड़े हादसे के बाद। मैं ये सोच रहा था कि मैं गांव वालों से क्या कहूंगा। What would I say to them, to the villagers or to the Bhuj artists, जिन्होंने सब कुछ खो दिया, उनके उनका घर, I think everything। हमने सोचा था कि हम बड़ी खुशी से, बड़े धूमधाम से फिल्म लेकर एक बार फिर भुज लौटेंगे, लेकिन अब इतने बड़े हादसे के बाद जाहिर है ये खुशी का मौका नहीं था। I mean, certainly it was not a time to celebrate. But, लेकिन मैं गलत था क्योंकि जिस दिन हमने स्क्रीनिंग रखी थी फिल्म की, सारे गांव वाले आए जिन्होंने फिल्म में काम किया था, और भुज के वो सारे कलाकार आए। उनके चेहरों पे एक खुशी थी और होठों पे एक हंसी, और ये मेरे लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए एक बहुत ही भावनात्मक मिलन था। और वो बड़े एक्साइटेड थे फिल्म देखने के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन के लिए वो अपने सारे गम भूल जाना चाहते हैं। उनके लिए अपने मन में वो दिन सिर्फ लगान के लिए था। सबका परफॉर्मेंस पिक्चर में बहुत ही बढ़िया है। ये सिर्फ मेरी फिल्म और आशुतोष की फिल्म और पूरी टीम की फिल्म नहीं है, ये हम सब की फिल्म है। लगान इंसानी जद्दोजहद की जीत की कहानी है, और उस दिन मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि कच्छ के लोग इसी इंसानी जद्दोजहद की जीत का जीवंत उदाहरण है। रे भैया जिंदाबाद, रे भैया जिंदाबाद, रे भैया जिंदाबाद। क्या अनगिनत तकलीफों से बनी इस फिल्म को दर्शक मिल पाएंगे? क्या लोग लगान को स्वीकार करेंगे? तनाव, भय और दहशत, हम जिन भावनाओं से अभी गुजर रहे हैं उन्हें ठीक से बता भी नहीं सकते। आफ्टर ऑल द इंटायर जर्नी दैट वी हैव बीन थ्रू, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था।
आखिरकार लगान हिट हुई, इसे सराहना और सफलता दोनों मिली। इसने भारत और दुनिया में ढेरों पुरस्कार जीते और सन 2002 के ऑस्कर में नामांकित भी हुई। लेकिन हम लगानियों के लिए शिखर पर पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण थी चढ़ाई। हम लोग फिल्म बनाने निकले थे, एक फिल्म जिसने हमें बना दिया, शायद हमेशा के लिए बदल दिया। Okay, ready? Okay, guys, say cheese! Cheese!